सभी को नमस्कार। आज के इस प्रोग्राम में हम ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। ये अदब गजब का प्रोग्राम पिछले साल हमने शुरू किया था। जैसे कि हमारे सभी श्रोता जानते हैं और उन्होंने बहुत प्यार दिया इसे, और फिर हमें ऐसा महसूस हुआ कि हमें इसे कंटिन्यू रखना चाहिए। और किन वजहों से हमने रोक दिया था, अगस्त में हमने लास्ट ये प्रोग्राम किया था और फिर उसके बाद दनी कॉल साहब की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद हम लोग का भी वो उत्साह कायम नहीं रहा और हम लोगों ने वो प्रोग्राम कुछ समय के लिए सोचा कि रोक दे। लेकिन खैर, सर ने भी ऐसा आदेश किया कि हमें हमने जो शुरू किया है हमें वो पूरा करना चाहिए। तो हम कितना कंटिन्यू करेंगे अभी तो इस बारे में कह नहीं सकते, क्योंकि इसकी सफलता और असफलता आप सुधी जनों पर ही निर्भर करती है। अकेले हमारे ये कार्यक्रम करने तो ये सफलता उसकी तय नहीं हो पाएगी। वो आप लोगों का साथ, सहयोग, आपकी अभिरुचियां बताएंगी कि इसे हमें किस दिशा में ले जाना चाहिए। बहरहाल, हमने दो एपिसोड्स हम लेकर के आए हैं इसके, और जिसके बारे में सीजन 2 में हमने सोचा, जिस बारे में हमने शायद कमिटमेंट भी करी थी, कहना ये था कि ये प्रोग्राम हमने दो एपिसोड जो है हम लेके आए हैं और जिसपे हम गजल का जो स्ट्रक्चर है, उसकी संरचना है, कविता और गीत, नज्म, रुबाई, ये सब है क्या एक्चुअली, और इन सब का ट्रेंड तो बहुत है। शेर तो हम कहते भी हैं, सुनते भी हैं, और उसके उसमें लेकिन बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, वो सुन के बड़ा कठिन सा लगने लगता है। तो सोचा, और हमारे जो पाठक हैं, क्योंकि हमने जिज्ञासा के बिहाव पे कार्यक्रम शुरू किया था, तो हमारे बहुत से पाठक लिखते हैं और लगातार कविताएं लिखते हैं। गद्य लेखन की ओर जितना रुझान रुझान नहीं भी है, उससे कहीं ज्यादा पद्य लेखन की ओर है। तो मन में ये बात थी कहीं कि इसका कोई वर्कशॉप या कुछ किया जाए। तो हमारे जो आज के मुख्य वक्ता हैं, उन्होंने कहा वर्कशॉप तो नहीं, मगर हम इस पर बात करेंगे। तो बात करने में इंटरेस्टेड थे और पिछली बार भी काफी इंटरेक्टिव सेशन रहे हमारे तीनों, और उसकी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के यूट्यूब चैनल पे, और आप वो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। समय समय पर हमारे जो कार्यक्रम है उस पर आते रहते हैं, हम उन्हें अपलोड करते रहते हैं। तो अभी फिलहाल, जैसा मैंने कहा कि जब हम गजल लेखन, गीत लेखन और इन सब की बात करते हैं, तो बेसिक इनमें क्या डिफरेंस क्या है, गजल, नज्म, रुबाई और ये सब, इनके बारे में हम थोड़ा आज के प्रोग्राम में जानेंगे और अगले एपिसोड में भी। और उसके बाद ये जो बहुत सारी कहते हैं कि मीर के समय में जब गजलें लिखी जाती थी तो 76 बहरें हुआ करती थी, और उसके बाद कहीं गालिब के दौर में और आगे आगे आते आते 40-30 हो गई। लेकिन समझ में नहीं आता कि बहर वहर, हमें तो कुछ समझ में नहीं आती बात क्या फिर है क्या। तो ये वजन, बहर और ये क्या, रदीफ, काफिया, वह बहुत बड़े बड़े शब्द लगते हैं। और हमने सोचा कि ऐसे हमारे जो लिखने का प्रयास करते हैं उन्हें भी कोई ऐसी ट्रेनिंग तो खैर क्या हासिल होती है, इंटरेस्ट से ही लोग शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसा उनका रुझान होता है वैसे वो आगे बढ़ते हैं, यदि उन्हें कोई सीखना होता है आगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन हम उपलब्ध करा सकते थे, सुलभ करा सकते थे, ऐसी एक कोशिश थी। और इस तरह का कोई कार्यक्रम बहुत जल्दी देखने में नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो वो इतना टेक्निकल होता है तो लगता है कि समझना बड़ा जटिल हो जाएगा। तो कोशिश ये है कि आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो इसे इस टॉपिक को बहुत जटिल नहीं परंतु बहुत सहज बना के हमारे श्रोताओं के समक्ष रखेंगे। तो यही उनसे अपेक्षा है। आज मेरे साथ मेरे कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स तो जुड़ ही गए हैं, और धीरे धीरे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं वो बता रहा है कि ये टॉपिक रेलिवेंट तो है, इस टॉपिक का महत्व तो है कहीं ना कहीं। तो चलिए, अच्छा है आप लोगों ने इसे चुना, सराहा और इसे ज्वाइन किया, और ज्वाइन करेंगे, बने रहेंगे, और बिल्कुल आपका पार्टिसिपेशन होगा, होगा जरूर होगा, और चलिए तभी आप उसको और अच्छे से समझ सकेंगे। तो दोनों एपिसोड्स में आप रहिए, तभी मुझे लगता है इसका भरपूर लाभ आपको मिल पाएगा।
और मेरे साथ मेरे कलीग्स मोहम्मद परवेज है जो कि को होस्ट भी हैं और टेक्निकली भी सपोर्ट कर रहे हैं, और उनकी आवाज भी आपको सुनने को मिलेगी निश्चित रूप से। जिज्ञासा में मेरे साथ एडिटर हैं, और इसके अलावा हमारे साथ प्रोफेसर अरुणी शर्मा जी हैं जो भी हमें टेक्निकली असिस्ट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। आप भी कुछ लिखने का शौक रखते हैं, अंत में जरूर सुनाइएगा, और बाकी आपके भी जो सवाल सवालात हो आप जरूर रखिए, या आपने जो जी भी आपका जो भी नजरिया है इस कार्यक्रम के बारे में उस पर भी बात कीजिएगा। मंजुला मैम ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड की सचिव, वर्तमान सचिव मंजुला जी हमारे साथ हैं, लेकिन अभी मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही हूँ कि किस डिवाइस से हैं जरूर वो, तो खैर मैं अपने बोलने के बाद चेक करूंगी, और निश्चित रूप से इस प्रोग्राम में आपको उनकी आवाज सुनने को मिलेगी। और वो काफी इंटरेस्टेड थी, काफी उत्साहित थी। मंजिला मैडम, मंजिला जी का परिचय क्या दूँ, परिचय देने परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे जो श्रोता हैं उनके लिए बता दूं, और हमारे वक्ता के लिए भी बता दूं कि दौलत राम कॉलेज में वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और साथ में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, और साथ ही AICB से तो बहुत लंबे समय से AICB में सेवारत हैं, महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। उस दौर से उन्होंने काम शुरू किया जब महिलाएं, और खास करके दृष्टिहीन महिलाएं बाहर निकल सके, ऐसा सोचना भी बड़ा मुश्किल होता था, जटिल होता था, कल्पना से परे की बात लगती थी। तो तब से ये लोग एक्टिव हैं, और हम जैसे लोगों के रोल मॉडल हैं। ठीक है, हम बहुत कुछ तो नहीं कर सके, लेकिन जब भी करेंगे इनका साथ जी सहयोग रहेगा, मार्गदर्शन रहेगा, तभी कर सकेंगे। तो दीदी वो हमारे साथ हैं, तो उनका बहुत बहुत स्वागत, और चाहूंगी कि वो भी AICB के बारे में, AICB की एक्टिविटीज के बारे में, खास करके क्योंकि ये लिटरेचर से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, तो लिटरेचर को AICB ने किस तरह से सुलभ बनाया हमारी कम्युनिटी के लिए, दृष्टिबाधित समुदाय के लिए, ब्रेल के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से, और ब्रेल का वाकई क्या महत्व है। जब हम लेखन की बात करते हैं तो उस समय बिल्कुल ब्रेल का क्यों, किसी भी लिपि का कितना महत्व है। ऑडियो में तो आप उसको सुन लीजिए, श्रव्य माध्यम तो है ही, लेकिन उसकी वर्तनी, चलो उसकी ग्रामर, बहुत सी चीजें समझने के लिए लैंग्वेज की, लिपि का बहुत महत्व है। और लिपि से अगर आपका जुड़ाव रहेगा तो आप शुद्धता को, वर्तनी की शुद्धता को, बहुत सारी चीजों को जो आजकल लेखन के समय में बिल्कुल बहुत गौण माना जाता है, जो कि सही बात नहीं है, तो उसको हम ध्यान में रख सकते हैं, और हर रोज बल्कि सीखते हैं। ऐसा नहीं कि हम सोच लें कि भाई ब्रेल तो हमें पढ़नी आती है तो सब ठीक हो गया। ये जब हम लोग किताबों पे काम करते हैं तो हमें समझ में आता है कि लगातार एक, मतलब एक निरंतर सीखते रहने वाली और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है ये। तो खैर मैं तो बहुत बोल चुकी, आज आप लोग बेचैन हैं हमारे मुख्य वक्ता को सुनने के लिए, उनका वो स्वयं भी किसी परिचय के मोहताज नहीं, और तीनों एपिसोड में हमने उनका खूब खूब परिचय दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं संक्षेप में कि आप आदरणीय श्री राजेश आसुदानी रकीब साहब हैं हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद गौरी। और आप क्या कहूँ, बहुत सारी चीजों का एक अनूठा नायाब संगम है, और जिनके बारे में हम सोच भी नहीं पाते बहुत आसानी से। अब कानून, मनोविज्ञान, साहित्य, तो ये अपने आप में बहुत दुर्लभ ये है, और कॉम्बिनेशन भी है, तो बड़े बड़ी अच्छी बात है। और पहले तो हम सोचते थे, कई बार मन में आता है चलो ठीक है यार, कुछ कुछ और नहीं तो आदमी कवि बन जाएगा, शायर बन जाएगा, पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगा, लेकिन इनके विषय में बता देती हूँ कि 19 गोल्ड मेडल ले चुके हैं पढ़ाई में, तो बड़ा रिकॉर्ड भी जो है जबरदस्त है, और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है। पेशे से बैंकर हैं, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक उसमें,
असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पे सेवारत है। तो बहुत बहुत स्वागत सर आपका एक बार फिर से। तो आपने समय दिया अपना और आने वाला एपिसोड भी आप ही हमें समय देंगे और बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हमारे श्रोताओं को और हमें बताएंगे ये जो कठिन कठिन शब्दों के मैंने नाम लिए, तो थोड़ा बहुत इसको सहज बनाएंगे आप। और आप कहते हैं कि हम अगर थोड़ा बहुत सीख जाए हम लोग तो लिख सकते हैं, लेकिन ये बड़ा बड़ा टेक्निकल बड़ा मुश्किल काम है। तो खैर जिनका इंटरेस्ट है एटलीस्ट वो तो कर ही सकते हैं, जो लिखते हैं जो जो जिनकी कलम चल रही है इस दिशा में वो उसको उसको कुछ और दिशा मिलेगी। तो बहरहाल मैं बीच बीच में हम लोग पूछते रहेंगे सर आपसे, फिलहाल तो आप शुरुआत करें और बताएं हमें कि आखिर ये जो भी मैंने जिन भी ऊपर पहले पद्य विधाओं का जिक्र किया है या आखिर है क्या, शाब्दिक रूप से थोड़ा इनका अंतर समझाएं और फिर इनकी जो टेक्निकलिटीज हैं और इनमें जो क्या बेसिक डिफरेंस है, लिखने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए मोटे तौर पर, तो वो आप उस पर प्रकाश डालें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी, और बहुत बहुत शुक्रिया AICB का कि जिन्होंने इस तरह का ऑनलाइन मंच उपलब्ध करके, मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है ना? जी आ रही बढ़िया रही। तो इस तरह का ऑनलाइन मंच उपलब्ध करके दिया है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि साहित्य जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और किसी तरह का डर खौफ मन में ना हो कि हम कैसे लिख पाएं, क्या लिख पाएं। पहले तो साहित्य पढ़ना आजकल कम कम हो रहा है, तो पढ़ें, और पढ़ने में भी वो समझ अगर रहे तो हम उसी चीज़ को, हम सुनते तो बहुत से फिल्मी गाने सुनते हैं, गजलें, गीत सुनते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, पर हमें कई बार पता ही नहीं होता कि क्या है वो, क्यों ज़रूरी है पता होना। कई बार सोशल मीडिया पे या वैसे भी मैं कहते हुए सुनता हूँ लोगों को ये गज़ल बहुत अच्छी थी, पर वो गज़ल होती नहीं है, वो नज़्म होती है, वो गीत होता है, तो एक फैशन सा बन गया है कहना कि गज़ल। लेकिन हमें बेहतर है कि पता हो क्या है, और फिर हम लिखने के लिए भी लालायित होंगे, अवश्य होंगे, क्योंकि हर व्यक्ति का मन जो है वो कवि तो होता है, हम उसको कई बार उभरने नहीं देते। कई बार हम वो फिक्रे दुनिया में सर खपाता हूँ, गालिब ने कहा था, मैं कहाँ और ये बवाल कहाँ, तो इस तरह की बात हो जाती है। तो मैं कोशिश वही करूंगा और करता आया हूँ पिछले, दरअसल मैंडेट तो यही था कि मैं कविता का फॉर्मेट, गज़ल का फॉर्मेट इसी सबसे शुरू करूँ, लेकिन मैंने पिछले 3 एपिसोड यूँ कहूँ कि बर्बाद कर दिए। बर्बाद इन द सेंस कि मैंने बात की कि शेरियत क्या है, साहित्यिकता क्या है, साहित्य क्या है, और मैंने ये सोचा कि ये जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लिटरेचर कहते तो हैं, साहित्य अदब कहते तो हैं, पर लोगों को वो मर्म उसका शायद कहीं कहीं पर वो भूल जाते हैं लोग, या ध्यान नहीं देते उसकी तरफ। तो मैंने 3 एपिसोड्स में जो बातें की, यहाँ दोहराऊंगा तो नहीं, पर 2 मिनट में संक्षिप्त रूप से मैं बस इतना कह दूं कि साहित्य की व्याख्या की थी कि वो जीवन का आईना नहीं बल्कि जीवन का प्रिज्म है, जिसमें किसी एक रंग को आप पकड़ के एक रंग को 7 रंगों में विभाजित करते हैं, 7 रंगों से एक रंग बनाते हैं, और इमेजिनेटिव इमोशनल डिपिक्शन ऑफ रियलिटी एंड आर्टिस्टिक डिपिक्शन ऑफ रियलिटी की बात की थी। अब ये कैसे होता है, तो प्रतीकात्मकता 4 लेवल्स पे चलती है, सिम्बोलिज्म जो है, पर्सनल, सिस्टमिक, कॉन्टेक्चुअल और पर्सनल कन्वेंशनल, कॉन्टेक्चुअल और ये स्टिपुलेटिव। मैं यहाँ इन बातों में नहीं जाऊँगा कि किस किस तरह के प्रतीक होते हैं 4 तरह के, आप इसके लिए पिछले एपिसोड्स बिल्कुल सुन सकते हैं। 3 तरह के डोमेन्स होते हैं, व्यक्तिगत, सामाजिक और कॉस्मिक, कायनाती, सामाजिक और व्यक्तिगत, 3 तरह के डोमेन्स होते हैं। फिर मैंने ये भी कहा था कि रचनाएं जो हैं वो एक साइकोसोशल फार्मूला की तरह होती हैं, एक फार्मूले की तरह होती हैं, जिसमें आप अलग अलग चीज़ें फिट कर सकते हैं। फिर कभी जो वर्णित नहीं होता, या व्हाट इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड और प्रेस्क्राइब्ड, उसकी बात करती हैं रचनाएं। फिर व्हाट यू वॉन्ट बट कांट, जो आप चाहते हैं पर कर नहीं सकते, मर्म में वही होता है किसी भी रचना के। तभी हम कलम उठाते हैं जब हमारी संवेदना आहत होती है, तो वो वॉन्ट बट कांट वाली बात आ जाती है उसमें। और फिर मैंने ये भी कहा था कि हाइटेंड मीनिंग इन मेजर्ड लैंग्वेज वाली बात, नपी तुली भाषा में बहुत गहरी या ऊंची बात करना, इसी को हम साहित्य कहते हैं। और रेजोनेंस की बात की थी कि कोई रचना किसी को क्यों क्लिक करती, उसके पीछे भी कई सारी बातें होती हैं, उस व्यक्ति का अपने रुझान, अपने अनुभव,
उसके बाद क्योंकि कहते हैं ना कभी ऐसा, अरे ये तो बात हमारे मन में भी थी, ये तो आपने कह दी, कवि ने कह दी, शायर ने कह दी, तो ये जो रेजोनेंस है, और किसी सिचुएशन में हमको कोई शेर याद आता है, कोई मिसरा याद आता है, तो वो सबसे बड़ी सफलता है किसी भी रचना की, कि आपको चलते फिरते कहीं याद आ जाए, आप कोट कर लें उसको, या कौंध जाए मन में। तो ये सारी चीजें पिछले 3 एपिसोड्स में हमने गहराई से इस पर बात की थी, तो जो कि SEBK के चैनल पे मौजूद हैं। और मुझे याद है ये 27 मई 2023 को शुरुआत हुई थी, या 26 मई को, शनिवार या इतवार की बात है, और कौल सर ने हमें आशीर्वाद दिया था पहले एपिसोड में, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था, और फिर जैसा गौरी जी ने बताया थोड़ा व्यत्यय आ गया 3 एपिसोड्स के बाद, लेकिन आज हमने सोचा कम से कम 2 बचे हुए एपिसोड्स जिसकी बात हुई थी वो तो हम कर ही देते हैं। तो आप लोग साथ हैं, परवेश जी साथ हैं, गौरी जी हैं, अरुणी जी हैं, और बाकी भी लोग हैं साथ और जुड़ते जाएंगे, तो बिल्कुल हम बातचीत करेंगे, और बातचीत से ही ये बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि मैं अगर 1-1.5 घंटा कुछ बोल भी लूँ, पहले तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, 1-1.5 घंटा मैं बोल ही नहीं पाता हूँ इतना कंटिन्यूअसली, लेकिन आपका जब जब तक प्रतिक्रिया और सवाल और सारी चीजें नहीं आएंगी, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो अभी इस एपिसोड की बात शुरू करें। जी जी बिल्कुल, आप शुरू कीजिए। उससे पहले मैं जी बता दूं कि हाँ, आपसे थोड़ा गुजारिश भी है कि आप जब भी कुछ एग्जांपल्स देंगे तो अपनी अपनी किताब या अपनी गजलों में से भी जरूर दीजिए, हाँ, क्योंकि कोशिश पुरानी करूंगा, गजलें तो सबने सुनी सुनाई है, इस बहाने मैं वो कोशिश हम करूंगा आपको कि दे ऐसे एग्जांपल दूं जो सकते सुने हुए गीत हों, हैं। और हाँ कीजिए, लेकिन बीच में आप या अपने फिर मेरी भी भी कुछ लिखिए। अगर हो रचनाएं हाँ तो हाँ बिल्कुल मैं उसकी दीजिए भी जरूर। और आलोचना। मैं बता दूं कि सर की 3 किताबें शाया हो चुकी हैं, और चौथी मतलब चौथी किताब की तैयारी है, जो कि एक जिस पे काम चल रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा। वो एक ट्रांसलेशन है, सिंधी तर्जुमा है, सिंधी किताब का तर्जुमा है हिंदी में। और वो किताब जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, अपनी जिज्ञासा में भी स्पेशल एडिशन में दे चुके हैं, विनोदासुदानी, डॉक्टर विनोदासुदानी जी की हथपकड़ जा, वो उसका हिंदी ट्रांसलेशन है जिस पर सर काम कर रहे हैं। तो ये सब भी बताइएगा, ये तो बड़ा जटिल कार्य मालूम जी होता है। हाँ, मैंने को जी शुरुआत की है, कविता को जी कविता की, गजल को गजल, गजल को गजल में ही अनुवाद करने का प्रयास चल रहा है, और डॉक्टर विनोद दासुदानी जी की उस किताब पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। वो जी पहले दृष्टि बाधित व्यक्ति हैं संभवतः पूरे विश्व में, या भारत में तो कम से कम, कि जिनको साहित्य अकादमी इस तरह का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वो भी जब बिल्कुल आएगी, और उससे पहले जैसा लेकिन फिर भी नाम की किताब बस आने ही वाली है मेरी, बिल्कुल उम्मीद है कि आप सब लोग उसका आनंद लेंगे और मुझे अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। तो और एक बात, अब और जब मैंने पहले ब्रेल की बात की थी, सॉरी सर, जी तो ये भी बता दूं कि सर की किताब साथ साथ ब्रेल और प्रिंट दोनों में आ रही है, और दोनों को ही एक साथ रिलीज करेंगे, ऐसा इन्होंने निर्णय लिया। तो ये हम AICB क्योंकि इतना प्रतिबद्ध रहा है शुरू से ब्रेल प्रमोशन के प्रति, तो ये बात सुन के हमें मतलब एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी हमें बड़ी खुशी होती है कि इस तरह से, बल्कि सभी कवियों को, हमारे दृष्टिबाधित कवियों को करना चाहिए। और अगर साथ के साथ ये चीजें हो जाए तो मतलब बड़ा सही रहता है। उसके बाद तो व्यक्ति सोचता है चलो प्रिंट पे किताब आ गई, अब ठीक है, अब जितना पढ़नी थी लोगों को पढ़ ली, ऑडियो बन जाएगा बाद में। तो ये अगर अपनी लिपि में आ जाए किताब, तो इससे खूबसूरत बात और कोई नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, ये तो बात है, और मैंने ये निर्णय लिया कि साथ ही विमोचन होगा ब्रेल संस्करण का भी और इसका भी। और ब्रेल की तो कुछ बात ही और है, जैसा आपने कहा भी, और AICB का योगदान ब्रेल की तरफ जो रहा है, और उसकी तो बात ही कुछ और है। और कॉल सर ने भी हमें सबसे पहले एपिसोड में, मुझे याद है, ये बात बताई थी कि ब्रेल किस तरह से छूटनी नहीं चाहिए बड़े होने पर भी। और मैं एक बात और यहाँ बता दूँ सुनने वालों को, ये जो मेरी किताब आ रही है लेकिन फिर भी, गजलों का कलेक्शन है ये, इसकी जो प्रूफ रीडिंग है वो हमने ब्रेल में ही की, और जब ब्रेल में प्रूफ रीडिंग की तो वो जो बात आई वो शायद किसी से प्रूफ रीडिंग करवाने में, दूसरे किसी से प्रिंट में करवाने में वो बात कभी नहीं आ पाती, इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ, मानता हूँ बिल्कुल। तो ये ब्रेल में एक एक प्रूफ रीडिंग की भी जो बात है वो भी की जा सकती है, जब हम प्रिंट में छपवाएं या कहीं भी कुछ छपवाएं तो ये भी हो सकता है, तो बहुत अहम रोल। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ब्रेल लम्ज में लफ्ज सिमट आते हैं, ब्रेल की तो ये बात है, तो लम्ज कहते हैं छुअन को, तो लम्ज में लफ्ज सिमट आते हैं ब्रेल में, तो यही बात है। तो अब बात मैं कहाँ से शुरू करूँ यही सोच रहा हूँ। एक 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 बात
यहाँ से मैं शुरू करूँ कि मान लीजिए हम चलते फिरते कई बार हम शेर पढ़ते हैं, शेर कहते हैं, है ना, जैसे बशीर बद्र का शेर है कि बशीर बद्र जी का शेर है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब ये कहते हैं, कई बार सुना होगा रेडियो पर, टीवी पर ये शेर। तो कई बार एक चीज हमारे अंदर पैदा होती है कि ये शेर क्या है, और ये शेर में कोई तुक तो मिल नहीं रही है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो और न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आपस में लाइनें मेल तो नहीं खा रही हैं। तो ये शेर कैसे होता है, क्या होता है, ये हम जानने की उत्सुकता हमारे अंदर होती है। तो यहीं से बात शुरू करते हैं कि शेर एक दो लाइनों का शेर होता है, और जैसा कि शेर की फितरत है, कोई भी शेर अकेला खड़ा होता है, झुंड में तो आप नहीं पाते हैं शेरों को जनरली। तो शेर भी एक अपने आप में स्वयं पूर्ण चीज है, पूरी मीनिंग आपको दो लाइनों के अंदर मिल जाती है, सारी की सारी कहानी वो दो लाइनें कह देती हैं। लेकिन शेर पार्ट होता है गजल का, गजल में 10 शेर, 5 शेर, 6 शेर हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं गजल। अब जब हम गजल का स्ट्रक्चर समझेंगे तो हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि शेर की दो लाइनें आपस में क्यों नहीं मिल रही, वो गजल के मतलब से मिलती है शेर की लाइन। तो अब ये कैसे होता है, ये हम एक गजल में जो समझेंगे। लेकिन उससे पहले गजल, गीत, कविताएं, और फिर क्या वो रुबाई, कथा, है ना, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। कविता एक तरह की नहीं होती है, पद्य जो है वो अलग अलग तरह का होता है। आप सब लोग जानते भी होंगे इस चीज को, लेकिन जस्ट टू क्लैरिफाई, तो गजल जो है वो गीत से अलग है, नज्म से अलग है। तो पहले हम ये समझ लें कि गजल क्या है, तो हम उसको एक बेस मानकर बाकी चीजों को समझ पाएंगे कि वो क्या है। अब ये गजल शब्द अपने आप में जो है वो पर्शियन शब्द है से आया है, और गजल के लिटरल माने तो ये हैं कि औरत से या औरतों के विषय में बात करना, ऐसा कहा जाता है कि गजल के माने। दूसरे गजल के माने गजाला से, गजाला मतलब हिरनी। तो शुरू में रूमानी बातें, औरतों की बातें, इश्क मोहब्बत की बातें, ये सारी बातें जिस रचनाओं में होती थी उसको गजल कहा जाता है। बड़े बड़े कसीदे पढ़े जाते थे, और कसीदे का एक भाग होता था गजल, वहां से निकली है छोटी रचना, वो है गजल। कसीदे तारीफ में पढ़े जाते हैं, हमें कहते हैं तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं। जी तो गजल यहाँ से निकली है। अब गजल में दो 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 लाइनों के यूनिट होते हैं, इकाइयां होती, दो 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 लाइनों की। मतला, जिसको हम गीत में मुखड़ा कहते हैं, शुरू की दो लाइनें, उसको हम कहेंगे मतला। वो दो लाइनें आपस में मेल खाती हैं, तुकांत होती हैं वो दो लाइनें, मतलब जिसको हम राइमिंग कहेंगे। मतलब हमेशा राइमिंग होगा। जैसे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, है ना। जी एक गजल है, बहुत शायद आप लोगों ने सुनी होगी, पंकज उदास की गजल है, दीवारों से मिलकर रोना, मतलब है कैसरुल जाफरी की, गाई पंकज उदास जी। तो दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। ये है इसका मतला, मतलब शुरुआत की दो लाइनें ये आपस में मिल रही हैं। दीवारों से मिलकर अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, मिल रही है ना। जी अब इसके बाद जो आएंगे वो शेर आएंगे। शेर कितने लाइनों के होंगे, वो भी होंगे दो 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 दो। और शेर में क्या होगा, शेर की दो लाइनों को हम मिसरा कहते हैं, एक एक लाइन को मिसरा कहते हैं, दो मिसरों का एक शेर होता है। हम लाइन लाइन कह रहे हैं लेकिन टेक्निकली इसको कहते हैं मिसरा। तो पहला मिसरा जो है, मिसराए उला कहें उसको, पहला मिसरा शेर का, वो किसी से मेल नहीं खाएगा। ये आजादी है गजल की, वो किसी से मेल नहीं खाएगा। लेकिन दूसरा मिसरा फिर आके मिलेगा मतले से, मिलेगा मतलब मीनिंग के हिसाब से नहीं, अर्थ के हिसाब से नहीं, वो मिलेगा तुकांत, राइमिंग के हिसाब से, राइम उसकी मिलेगी, तुक मिलेगी जिसको कहेंगे हम। जैसे इसी गजल में अगर आप आगे चलें कि दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, ये एक लाइन हो गई, ये पहला मिसरा हो गया, ये किसी से मिल नहीं रहा है। दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं,
शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है। अभी अच्छा लगता है, ऐसा लगता है, मेला लगता है, मिल गया इससे तो को मिल गई। लेकिन मीनिंग आप देखिए अलग है। हालांकि इस गजल में आप कह सकते हैं कि मीनिंग भी थोड़ी मेल खाती है, कुछ लेना देना है मतलब से उसका, लेकिन हर गजल में ऐसा नहीं हो। अच्छा, इसका दूसरा शेर सोचिए कि कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो, सोचो तो, शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है। अलग बात कह दी, पहले तो पागल हो रहे थे, पहले तो मैं यादों का मेला लग रहा था, अब एक और नया ख्याल आया कि कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो, सोचो तो, शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है। लेकिन लगता है दरिया लगता है, ये मेल खा गई है ना। किसको कैसर पत्थर मारूं, कौन पराया है, शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है। ये हो गए, तो ये मेरे ख्याल से ये अभी क्लियर हो गया कि गजल में दो 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 लाइनों के शेर होते हैं, मतला पहली दो लाइनें होती हैं और शेर दो दो लाइनों के होते हैं, दो लाइनें संपूर्ण होती हैं अपने आप में, इसलिए शेर को आप उठा के कोट कर सकते हैं कहीं भी, वो कोटेबल कोट होता है शेर जो होता है, क्योंकि वो सारी बात उसमें कह दी जाती है दो लाइनों में। भले आप मतला मख्ता आप न जाने कि क्या है गजल, कौन सी गजल का शेर है, कई बार तो ये भी पता नहीं होता है, लेकिन शेर है इतना पता होता है, तो वो शेर आप कहीं भी कोट कर सकते हैं जहां उसके अर्थ निकलते हैं। तो ये गजल का फॉर्म है, ये गजल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। भाषा जब नपी तुली भाषा, मतलब उसमें राइमिंग एक चीज आ गई, तुकांत, जो जो हर रचना में राइम और रिदम होती है। अब आप कहेंगे राइम और रिदम होना क्या जरूरी है हर गजल में, जरूर गजल गीत नज्म इसमें होना जरूर, लेकिन आजकल जो कविताएं लिखी जाती हैं उसको हम आजाद कविताएं कहते हैं, आजाद नज्म कहते हैं, तो कई बार लोग उसमें लाइनें मिलाते नहीं हैं। कोई बात नहीं है, आप लिख सकते हैं, आपका ख्याल शायराना है, ख्याल में दम है, तो आप आजाद रचना भी, और बहुत अच्छी अच्छी आजाद रचनाएं आजाद नज्में लिखी जाती। लेकिन अगर आप कह रहे हैं मैंने गजल लिखी है या गीत लिखा है, तो उसमें राइम का होना आवश्यक और उसमें रिदम का भी होना आवश्यक। वैसे आजाद रचना में भी रिदम होता है, लेकिन एक सा हमेशा कायम रहे ऐसा नहीं होता। लेकिन जावेद अख्तर इसको बड़े अच्छे से समझाते हैं इस चीज को, कि आजाद रचना में भी कोई बीट होता है, एक रिदम होता है, एक लय होती है जो पीछे चलती है, उसमें वो रचना चलती है, पूरी तरह आजाद नहीं होती राइम रिदम से। बीच में कहीं राइम भी आपको मिल जाएगी, लेकिन रिदम भी एक चलने वाला बीट होता है आजाद रचना में। तो खैर, आजाद रचना की बात करेंगे बाद में कभी समय मिला तो, लेकिन कहने का भाव ये है कि गजल गीत जब हम लिखते हैं, दोहा लिखते हैं, अलग इनके नियम हो। हाँ, एक चीज और मैं कह दूं कि कई लोग लिटरेचर को थोड़ा हल्के में लेते हैं, यहाँ भैया लिख दिया। जब हम डांस करना सीखते हैं, गाना गाना सीखते हैं, तो हम कविता करना या लिखना सीखना क्यों नहीं चाहते? वो भी हमारे सीखने की एक विधा है जिस पर हमको मेहनत करनी पड़ती है, जिस पर हमको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसलिए हमको गजल गीत में की जो आज बात हो रही है, या इवन कविताओं में भी तुक होती है, अलग अलग राइम स्कीम हो सकता है कविता का, लेकिन गजल का राइम स्कीम बिल्कुल डेफिनेट है कि क्या होता है। अच्छा, इसी के बाद गीत की बात बताऊं तो गीत का भी मुखड़ा होता है, आप जानते हैं मुखड़े की दो लाइनें आपस में मिलती हैं और उसके बाद उसके स्टैंजास पैराज होते हैं, जिसको आप कह लीजिए, पद होते हैं जिसको आप कह लीजिए, पर वो दो दो पंक्तियों के नहीं होते, वो जनरली तीन तीन पंक्तियों के, फिल्मी गाने आप अगर देखें तीन तीन पंक्तियों के, चार चार के हो सकते हैं, और उसका राइम स्कीम थोड़ा फ्लेक्सिबल है कि वो जो तीन पंक्तियां हैं दो आपस में मिलेंगी, तीसरी फिर आके मुखड़े से मिलेंगी, या तीन आपस में मिलेंगी, चौथी आके फिर मुखड़े से मिलेगी, है ना। तो इस तरह के गीत लिखे जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे गजल की, तो गजल की तुक जो मिलती है वो ऐसे मिलती है, लेकिन इसमें थोड़ी और एक चीज है। अब तुक कैसे मिला है, इसमें दो टर्म्स हैं जैसा आप कह रही थी शुरू में, रदीफ और काफिया। अब रदीफ और काफिया क्या है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है समझना, ये छोटी सी बात है। प्रदीप शब्दों का वो समूह या एक या अधिक शब्द हैं जो हमेशा एज इट इज रिपीट होंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं आए। जैसे अगर आप इसी गजल को लें, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है,
हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। तो इसमें कौन से ऐसे शब्द हैं जो एज इट इज रिपीट हो रहे हैं? जी लगता है, लगता है, जी लगता है, बिल्कुल लगता है, सही लगता है। तो हाँ लगता है ही हो रहे हैं, ये आपको लग नहीं रहा है, ये ऐसा है। तो इसको कहेंगे रदी। ये मतले में रिपीट हुआ, हर शेर के दूसरे मिसरे में रिपीट होगा, पहले में नहीं। पहला मिसरा तो अतुकांत है, वो किसी से मेल नहीं खाएगा, लेकिन दूसरा मिसरा जो है गजल का वो मिलेगा, तो रदीफ रिपीट होगा। जो तीनों शेर मैंने बताए उसमें रदीफ रिपीट हो रहा है। अब काफिया, काफिया क्या है? काफिया भी मिलते जुलते, काफिया मतलब मिलते जुलते शब्द। अब इस गजल का मैं आपको कहूं कि काफिया पहचानिए, तो आप लोग पहचान पाएंगे। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, सर शाम ढले। हाँ जी सर जी जी मतलब क्या होता हाँ है? मतलब शुरू की जो दो लाइनें, जहां से गजल शुरू होती है, और वो दो लाइनें शुरू आपस की में दो लाइन, मिलती हैं। हाँ शुरू की दो लाइन, शुरू की वो गजल के शुरू लाइनें। की दो लाइन। हाँ तो कोई भी आप गजल लेंगे उसकी शुरू की दो लाइनें वो आपस में मेल खाएंगे, तो उसको कहेंगे मतला। जिसको गीत में हम कहते हैं मुखड़ा, है ना, तो ओके गजल सर, में कहेंगे मतला। ओके सर, जी तो अब रदीफ और काफिये की बात हो रही थी, ये राइम की बात चल रही है, तुक तुक मिलाने की ही बात चल रही है अभी, है ना। तो रदीफ वो शब्द हैं जो आप एज इट इज रिपीट होते हैं, मतले में होंगे, प्लस हर एक शेर के दूसरे मिसरे में। काफिया क्या है? मिलते जुलते शब्द, वो सेम नहीं होंगे। जैसे इसमें ऐसा लगता है, अच्छा लगता है, मेला लगता है, अपना लगता है, ये कौन से शब्द हैं? ये कौन सी मात्रा इसमें आ रही है, कौन से मात्रा वाले शब्द हैं ये सब? आप ये कौन, सर हाँ बताइए बताइए। एक जैसे फिर से सुनिए ना लाइन में, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। लगता है, लगता है तो आ गया, उसको कहेंगे हम रदीफ। सेम आ गया वो, तो उससे पहले का शब्द कौन सा है? लगता है से पहले, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, कैसा अच्छा लगता है, ये लाइन हो गई। हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है, अच्छा ऐसा, मिलते जुलते शब्द हैं। कुछ कुछ समानता है इन शब्दों में कि बिल्कुल भिन्न भिन्न शब्द हैं ये? कोई समानता है इनमें? कुछ तुक मिल रही है इनकी, मिल रही है ना, अच्छा और ऐसा, और उसके बाद मेला, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है, कितने दिनों के प्यासे होंगे यारों सोचो तो, शबनम का कतरा भी जिनको दरिया लगता है। दरिया, मेला, शीश महल में एक एक चेहरा अपना लगता है, अपना, इसको कहते हैं काफिया। काफिया मतलब दूसरे तरीके से बताऊं, जो काफी है, जितनी तुक मिलना काफी है। रदीफ तो एज इट इज वही आएगा, उसको उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते। लगता है को आप होता है कर दिए, नहीं, शाम ढले इस सूने घर में मेला होता है, तो ऐसा नहीं चलेगा। वो लगता है तो वहां लगता है, तो ये इस तरह से ये काफिया हो गया। जैसे एक और गजल आप लीजिए, कोई भी गजल लीजिए, कोई कौन सी गजल सुनी है कोई भी ले सकते हैं, उसमें रदीफ क्या है, काफिया क्या है, ये पहचान आनी चाहिए, तो तब लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कोई भी एक गजल, गुलजार की जो है, जगजीत जी ने गाई है, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। तो अब इसमें रदीफ क्या हो सकता है? इन दोनों दो लाइनें मतला है, ये शुरू की दो लाइनें हैं गजल की, तो इसका इसमें क्या है? रदीफ और काफिया हमको पहचानना है इसमें, सर तो कैसे है? शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी। हाँ जी, हाँ सर, नहीं, आप चलिए। सी है, नहीं मैंने कहा हाँ सी है। सी है, बिल्कुल आप बताइए, तो कोई तो बताए तो फिर आगे चलेगी बात।
सी नहीं, हमें है, ये लग रहा है है कि बेनिफिट। हमारे स्टूडेंट जो है वो पार्टिसिपेट करें, हाँ तो बिल्कुल इसलिए हम बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा। इसलिए हाँ वो ये बिल्कुल, तो वो बताएं जो जो बच्चे सुन रहे हैं तो वो कोशिश करें बताने की, गलत हो गया तो कोई बात नहीं है, कई कई उसमें क्या है। बच्चों ने AICB से भी ज्वाइन किया है, तो जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। सी है ये रदीफ है, ये इसलिए रदीफ है कि ये ज्यों का त्यों आ रहा है, और पूरी गजल में ये रिपीट होगा, आगे भी रिपीट होगा अगले शेरों में, तो इसलिए इसको रदीफ कहते हैं। अब इसका काफिया है नमी कमी, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है, वक्त रहता नहीं कहीं रुककर, इसकी आदत भी आदमी सी है, आदमी फिर से वही बात आ गई, मी मई है ना, थमी नब्ज, थमी सी है वाला भी शेर है इसमें, है ना, नब्ज कुछ देर से थमी सी है, तो थमी ये काफिया हो गया, थमी नमी आदमी, तो ये इस तरह का ये हो गया आपका काफिया रदीफ। हर गजल में कोई भी अगर गजल है तो उसमें काफिया भी होगा रदीफ भी होगा, कुछ कुछ गजलों में रदीफ नहीं होता है, वो बहुत कम इस तरह की गजलें होती हैं उसमें काफिया होता है केवल, बाकी रदीफ होता है और उससे पहले काफिया आना जरूरी है। सिर्फ रदीफ हो काफिया ना हो ऐसा नहीं, ऐसी कोई गजल आपको नहीं मिलेगी जिसमें केवल रदीफ हो और काफिया हो ही नहीं। तो इस तरह से हम राइमिंग, और फिर से मैं यहाँ अर्ज कर दूं कि गजल में मतला और उसके बाद शेर 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 शेर, हर एक का विषय अलग 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 होता है, बहुत कम गजलें होती हैं जो एक ही विषय पर लिखी जाती हैं, होती हैं लेकिन बहुत कम गजलें होती हैं, जैसे मेरी एक गजल है बचपन पर है, पर उसमें रदीफ काफिया की बात पहले पहचानेंगे और उसके बाद वो उसका विषय बचपन है, पूरी गजल का विषय बचपन, जैसे फिर उस दौरे उम्र में जीना अच्छा लगता होगा है ना, आंसू आहें दर्द कभी ना अच्छा लगता होगा है ना, ये है इसका मतलब, शुरू की दो लाइनें। तो अब इसका रदीफ क्या है और काफिया क्या है, फिर उस दौरे उम्र में जीना अच्छा लगता होगा है ना, आंसू आहें दर्द कभी ना अच्छा लगता होगा है ना। अब जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है वो कोशिश करें बताने की, क्योंकि ये बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। जी सर, इसमें रदीफ अच्छा लगता होगा है ना, है, और हाँ हाँ काफिया हाँ रदीफ तो बिल्कुल सही पहचाना आपने, फिर सर एक से बार और। बोलो लाइन। हाँ, फिर उस दौरे उम्र में जीना अच्छा लगता होगा है ना, आंसू आहें दर्द कभी ना अच्छा लगता होगा है ना। तो काफिया होता है जो मात्रा होती है लास्ट, जी जी बिल्कुल, इसमें तो इसमें काफिया आप पहचानेंगे। हाँ हाँ मात्रा होती है, सही बात है फिर तो इसमें मात्रा। काफिया आ की मात्रा होगी। हाँ लेकिन शब्द पहचानिए, काफिया वाला कौन से शब्द है इसमें, फिर उस दौरे उम्र में जीना अच्छा लगता होगा है ना, सर जीना और आंसू कभी जीना और कभी ना, बिल्कुल ये आपने सही आपका नाम पहचाना, इसका बताइए बेटा। काफिया। हाँ नाम बताइए, सर बिस्मा। बिस्मा, बिल्कुल बहुत सही पहचाना आपने, बस इसमें मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि काफिया केवल अंतिम मात्रा हो ये आवश्यक नहीं है, जैसे इसका काफिया अगर आप देखेंगे तो आखिरी की एक मात्रा, एक व्यंजन एक मात्रा, ई ना कभी ना है ना, जी ना, आगे चल के शेरों में नीना मीना भी आ जाती हैं इसके शेरों में, तो क्यों आ जाती हैं, क्योंकि काफिया इसका ई ना वाला है, ई ना, सिर्फ आ काफिया नहीं, अगर सिर्फ आ काफिया लग काफी मानेंगे तो आप फिर रहता कहता भी लगा सकते हैं इसमें काफिया में, लेकिन नहीं, इसका काफिया थोड़ा ज्यादा ये दो तीन तरह के काफिया है, जैसे पिछली जो गजल मैंने कही उसमें सही बात है आ केवल आ वाला काफिया, लेकिन इसमें अगर आपको पहचानना हो तो ईना वाला काफिया है, मतलब तीन अक्षर आखिरी के मेल खाते हैं इसमें, आगे के भी शेर अगर मैं सुनाऊं तो उसमें भी वही सब है कि बाहर भागे भागे फिरना, उठना गिरना उठना गिरना, घर में लस्सी डांट भी पीना अच्छा लगता होगा तो पीना, अब मैं इसमें घर में लस्सी डांट भी खाना, खाना में भी आ है, डांट तो खाई जाती है ना, तो अगर मैं इसमें ये घर में लस्सी डांट भी खाना अच्छा लगता होगा है ना, तो बिगड़ जाएगा काफिया, टूट जाएगा और गजल गजल नहीं रहे, उसको कोई उस्ताद गजल नहीं माने, क्योंकि बाकी शेरों में सिर्फ आ नहीं, ईना 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 वाले शब्द,
तो इस तरह से ये काफिया मुकर्रर होता है, तय होता है, गजल का पहचाना जाता है। जब हम लिखते हैं तब भी हम मान लीजिए दो लाइनें हमारे ध्यान में आ गई तो हम सोचेंगे इसमें रदीफ क्या है और काफिया क्या है, और चेंज भी कर सकते हैं एक बार ख्याल में आ गई तो। और फिर इस गजल का मौजू है बचपन, इस गजल का विषय है पूरा बचपन, जबकि गजल का एक विषय होता नहीं है, लेकिन इस गजल में उसको मुसलसल गजल कहते हैं। और नॉर्मली गजल होती है गैर मुसलसल, मतलब डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि हर शेर अपने आप में पूरा है। तो कोई कोई गजलें होती हैं जो मुसलसल होती हैं, एक विषय पर लिखी जाती हैं। तो ये मेरी गजल जो है वो बचपन पर लिखी गई है, हालांकि इसमें से भी आप एक एक शेर उठा के कोट कर सकते हैं कहीं भी, उसमें कोई बंदिश नहीं है, आप उठाए एक शेर उठा के कहीं कोट कर भी सकते हैं कि बेनामी गलियारों के इन बेनामी लोगों में हैं हम, थी जब होती नीनामी ना अच्छा लगता होगा है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पूरी मीनिंग मीनिंग पूरी निकलती है। एक शेर की मीनिंग दूसरे पर आधारित नहीं होती, चाहे गजल का विषय एक भी हो जाए कभी, लेकिन शेर अपने आप में स्वयं पूर्ण इकाई होनी चाहिए। वो बंधे हैं रदीफ काफिये से, मीनिंग से नहीं बंधे हैं वो अपने गजल से, वो रदीफ काफिये से बंधे हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से ये अब अच्छा इसी मामले में बचपन के विषय में जो बहुत आम गलतफहमी है, सुदर्शन फाकिर का कलाम है, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। ये सुना है ना आप लोगों ने, सुना होगा, नहीं सुना हो तो बिल्कुल सुन लीजिएगा, सुनने लायक है ये कलाम। अब ये क्या है, गजल है या नहीं है? ये गजल है या नहीं, जिन्होंने सुना है वो बताएं ये गजल है, या जिन्होंने नहीं सुना है वो तो नहीं बता पाएंगे। नहीं, गजल नहीं है ये, ऐसा लगता है। जी जी सर, जी सर, तो क्यों नहीं है ये गजल? बस वही जो आपने टर्म्स दिए हैं वो उस पे ये खरी नहीं उतर पा रही है, रदीफ और हाँ, काफिया पे। रदीफ और काफिये पे कुछ लगता है ऐसा। इसमें चलिए मैं मान लेता हूँ रदीफ नहीं है पर काफिया तो है। मैंने तो कहा कोई गजल ऐसी तो हो सकती है जिसमें रदीफ ना हो और काफिया हो। अच्छा, ये ओके। दौलत भी ले लो ये शौहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, जवानी ठीक है, और पानी बारिश का पानी, तो तो फिर ये गजल ये गजल होगी। कौन, बिस्मा जी कह रही हैं? होगी, मैं पूछ रही हूँ अच्छा सर। हाँ, पूछ रही हैं तो मैं ये सुनाऊँ आपको? ये सुनाओ, गा के तो नहीं सुनाऊंगा मैं, बोल के सुना सकता हूँ, तो फिर आप बताइए कि ये गजल है या नहीं, है ना। सर ये दौलत भी ले लो, ये सुनी है आपने बिस्मा जी? नहीं सुनी है, अच्छा शायद नहीं सुनी। नहीं सुनी होगी तो सुन लीजिएगा यूट्यूब से इस प्रोग्राम के बाद, बहुत अच्छी अच्छा कलाम है बहुत। ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी। अब इसमें आगे कहते हैं शायद कि मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में सदियों का फेरा, वो चेहरे की वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुरियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती वो बारिश का पानी, कड़ी धूप में अपने घर से निकलना, वो चिड़िया वो बुलबुल वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना वो गिरकर संभलना, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। नहीं, एक्चुअली इसकी लाइन दूसरी है, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, है ना, वो वाली लाइन है इसकी। ठीक है तो आप बताइए कि ये गजल है या नहीं। सर ये गजल नहीं है, ये नजम बिल्कुल, क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? वो गजल पीतल के इसलिए छल्लों के प्यारे से तोहफे, वो टूटी हुई चूड़ियों की निशानी, है ना। हाँ तो क्यों, हाँ बताइए बताइए, इसमें भी बताइए। इसलिए नहीं इसमें है, इसमें रदीफ नहीं है और काफिया भी जी नहीं है। रदीफ नहीं, काफिया तो है, पानी निशानी वो काफिया तो है, लेकिन रदीफ किसी किसी गजल में नहीं भी हो सकता है, ऐसा रदीफ का होना एकदम 100% जरूरी नहीं है, कभी कभी नहीं भी होता है। लेकिन ये गजल नहीं है इस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन ये कारण जो आप बता रही हैं तो वो कारण ठीक नहीं। राजेश भाई, जी नज्म में अक्सर जो है ऐसा लगता है जैसे कि किसी घटना के बारे में कुछ बताया जा रहा है, एक कहानी सी, ऐसा मुझे जी लगता है। हालांकि मैं तो बहुत साहित्य नहीं नहीं का बिल्कुल सर, स्टूडेंट हूँ नहीं। आप नहीं, आप ठीक कह रहे हैं कि एक सब्जेक्ट,
ये हाँ पूरी करेक्ट, गजल का, पूरी नज्म का इसका सब्जेक्ट है बचपन, बचपन लौटा दो लौटा दो लौटा, बचपन अच्छा था अच्छा था, है ना। तो एक ये कारण है, लेकिन ये भी अहम कारण, पूरी तरह वैलिड कारण इसलिए नहीं है कि मैंने कभी अभी भी कहा कि गजल कभी कभी किसी किसी एक विषय पर भी लिखी जाती है। अच्छा अभी हम बात शेर भी कर रहे नहीं थे। है ये, एक्चुअली इसमें शेर भी हाँ नहीं है। जी, अब हुई कोई बात, इसमें शेर नहीं है, इसका स्ट्रक्चर गजल का नहीं है। दो दो लाइन के जो शेर होने चाहिए इसमें, मिसरे जो दो होने चाहिए, वैसे नहीं है। इसमें स्टैंजाज हैं, इसमें पैराग्राफ्स हैं, चार चार पांच पांच लाइनों के, जो कि गीत की खासियत है, या उर्दू में हम इसको नज्म कहेंगे, हिंदी में आप गीत भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये नज्म है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बनावट जो है वो गजल की नहीं है। इसकी बनावट दो 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 लाइनों के शेर चाहिए, किसी में रदीफ भी हो तो भी वो बनावट अगर गजल की नहीं है तो नहीं होगा। तो इस तरह गजल की बात हमने जो की, रदीफ काफिया की बात की, वो रदीफ काफिया गीत में भी आ सकता है, गीत में काफिया वाले गीत, नज्म में रदीफ काफिया आ सकता है, सिर्फ काफिया भी आ सकता है, जैसे इस नज्म में सिर्फ काफिया आ रहा है। विषय गजल में अलग अलग होता है हर शेर का, नज्म में अलग अलग नहीं होता, नज्म में एक ही विषय होता है। और सबसे अहम चीज है गजल की जो बुनावट है, जो बंदिश है, ए ए बी ए सी ए डी ए, ये मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी ए सी ए डी ए, ये क्या बात हुई, जो राइम स्कीम है गजल की, राइम वो ए ए वहां से शुरू हुई, शेर पहला आया बी ए, बी वाली लाइन अपने आप में अलग है, ए वाली लाइन फिर मतले से मिल गई, रदीफ काफिया, कैसे मिल गई, रदीफ काफिया, फिर सी ए अगला शेर आया सी ए, सी वाली लाइन अपने आप में अलग है, फिर ए वाली लाइन फिर ए से ही मिल गई, डी ए ई ए एफ ए, ये है गजल का स्ट्रक्चर, गजल की बुनावट। तो इस तरह से ये राइम की बात यहाँ पूरी होती है, गजल के स्ट्रक्चर की बात पूरी होती है। कुल मिला के एबीसीडी आनी चाहिए। हाँ, एबीसीडी आनी चाहिए राइम के लिए, और जो रिदम की अभी हम बात कर रहे हैं उसके लिए अंक गणित आना चाहिए। अब जो रिदम की बात करेंगे ये तो बड़ा उसके बाद आनंद, मुश्किल तो बस इतना ही, एबीसीडी आए और एक दो की गिनती आए तो फिर हो जाएगा, तो उसमें कोई बहुत ऐसी उलझी हुई बात नहीं है। तो इसमें कुछ अगर कुछ पूछना हो, किसी को कोई बात करनी हो, कोई एक गजल कुछ लेके फिर से समझना हो स्ट्रक्चर, तो समझ सकते हैं, वरना हम फिर रिदम की तरफ चलते हैं। आखिरी स्टेंजा जो होता है उसको मख्ता कहते हैं ना जी शायद, अभी आखिरी, मैं हाँ जी एक्चुअली आखिरी बीच शेर में को कहीं मिस स्ट्रक्चर, कर गया हूँ। जी, नहीं, मैंने बताया ही नहीं, बोला ही नहीं मैंने, कि मैंने कहा कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा हो सकता है बच्चों का। तो मतला शुरुआत की दो लाइनें, मख्ता जो है वो आखिरी शेर है गजल का जिसमें शायर का नाम आता है, जिसमें शायर का नाम आता है वो मख्ता, अगर शायर का नाम नहीं आ रहा है तो वो आखिरी शेर कहलाएगा, वो मख्ता नहीं कहलाएगा। अब शायर का नाम कैसे आएगा, अब गालिब के शेरों में जैसा गालिब आता है हम सब जानते हैं, है ना, तो वो मख्ता, वो आखिरी शेर, वो गजल में पहले नहीं लिखा जाता, वो सबसे आखिरी में गजल में लिखा जाता है और उसको मख्ता कहते हैं कि भाई ये मख्ते का शेर है, उससे पहले के शेर को आखिरी शेर कहते हैं, ये भी है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आखिरी शेर मतलब आखिरी शेर के बाद मख्ता भी हो सकता है, तो मख्ता भी हर गजल में हो ऐसी कोई बंदिश नहीं है, किसी में होता है किसी में नहीं होता है, होना चाहिए, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, उसको आखिरी शेर आखिरी बोल शेर क्यों देंगे। कहते हैं, मक्ता मक्ता भी तो शेर ही होता है। हाँ, मख्ता भी शेर ही होता है, लेकिन अगर मख्ता है उस गजल में तो सेकंड लास्ट शेर को वो कहेगा शायर पढ़ते समय, अभी आखिरी शेर सुनिए गजल का, और उसके बाद आएगा मख्ता, अगर आएगा तो, अगर आएगा। सर हाँ हाँ गजल और गीत में क्या फर्क होता है, क्योंकि हाँ गजल और गीत में क्या फर्क है? सर हम दोनों को गा सकते हैं और दोनों में ही कई बिल्कुल, कई बार आखिरी में शायर का नाम आता है। हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि गीत में शायर का नाम नहीं आता, गीत में मक्ता नहीं होता है, वो गजल में ही मक्ता होता है, गीत में अमूमन शायर का नाम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, आखिरी में भी नहीं मिलेगा। लेकिन मुख्य अंतर ये नहीं है गजल और गीत का, मुख्य अंतर दो है गजल और गीत के, एक स्ट्रक्चर का फर्क, गजल का स्ट्रक्चर हमने देखा ना, ए ए बी ए सी ए डी ए ई ए एफ ए, ये गजल का स्ट्रक्चर है, ये देखा ना हमने अभी, सुना। गीत का स्ट्रक्चर क्या होगा आप बता सकती हैं, गीत का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाएंगे, गीत आपको एबीसीडी में गीत बनाना है। ऐसे रुके सर रुके 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 रुके, फिर से आराम से कहिए, फिर से कहिए। मैंने बोला जैसे ए ए देन हाँ बी बी सी डी डी
देन हाँ रुकिए ये रुकिए रुकिए बिस्मिल, ये रुकिए, ये आप कह रही हैं ये है कविता। ऐसे हिंदी में कविताएं होती हैं, राइमिंग कविताएं होती हैं या नज्में भी हो सकती हैं। जैसे गीत का जो स्ट्रक्चर है ना, जैसे फिल्मी गाना कोई भी आप लीजिए, कोई भी फिल्मी गाना जो अच्छा खासा ठीक ठाक फिल्मी गाना हो, उसका आप स्ट्रक्चर देखिए क्या है। उसका स्ट्रक्चर रहेगा साधारणता ए ए, यानी मतलब तो सेम हुआ जैसे गजल का होता है। जी उसके बाद उसका रहेगा बी बी ए, या बी 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 ए, या बी बी सी सी ए। मुखड़े से तो मेल खाएगा ना, आप तो आगे बढ़ रही थी ए ए बी बी सी सी डी डी, अब वापस ए पे तो आना पड़ेगा ना आपको। तो जी सर बी बी सी ए ऐसा भी रह सकता है, बी 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 ए ऐसा भी रह सकता है, और बी सी ए ऐसे भी गीत हो सकते हैं, लेकिन मुखड़े से मेल खाना गीत में आवश्यक। जी सर अंतिम जो पैरा की जो अंतिम पंक्ति होगी ना, वो मुखड़े से मेल खाएगी, तभी जी वो सर गीत बनेगा, वो गीत है ना, अदरवाइज वो कविता बन जाए। अदरवाइज जी आगे 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 चलती हुई, दो दो लाइनें मेल खाती आपस में, आगे आगे बढ़ती हुई, वो कविता बन जाए। ये हुआ आकार का अंतर, स्ट्रक्चर का अंतर, है ना। लेकिन मुख्य अंतर जो गजल और गीत में विषय का है। लेगी गजल नहीं में अलग अलग विषय, एक 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 शेर में विषय 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 अंतर होता जाएगा गजल में, जबकि गीत का विषय एक ही रहेगा, एक गीत में एक ही विषय होगा। अगर वो खुशी का गीत है तो खुशी का गीत है, बीच में आपको गम नहीं आ जाएगा, है ना। अगर वो गम का गीत है, सैड सॉन्ग है, तो वो सैड सॉन्ग ही रहेगा। लेकिन गजल में ऐसा नहीं है, एक शेर में जिंदगी की बात हो सकती है, दूसरे शेर में मौत की बात हो सकती है, तीसरे शेर में कोई भी बात हो सकती है। तो शेर आपस में जुड़े नहीं, हम एक शेर को उठाते हैं, उसको कोट करते हैं। हाँ, गाने के लिए सारे शेर एक साथ गाते हैं, वो बात ठीक, लेकिन गीत में विषय नहीं बदल सकता। गजल के शेरों का विषय अलग 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 होता ही है, अमूमन होता ही है गजल के शेरों का विषय। अब जैसे कोई फेमस गजल लीजिए, उसमें से आपको एकदम समझ में आ जाएगी ये बात जो मैं कह रहा हूँ ना। कौन सी फेमस गजल लेनी है आपको बताइए। अब जैसे पहले गजल लेते हैं, कौन सी गजल लेंगे, कोई बताइए, सजेस्ट कीजिए कोई जिसमें शेर हो, तीन चार शेर हो और सुनी भी हुई हो। अनसुनी गजल से फिर वो समझने में दिक्कत आएगी कि भाई क्या है, बहुत सुनी सुनी हुई गजल और सुना हुआ गीत लेते हैं, तो उसमें एकदम ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। कोई बताइए कोई गजल, अरुणी सर बताइए कोई गजल। अरनी कोई सर नहीं, मुझे तो अभी फिलहाल गीत याद आ रहा है, गजल हाँ बिस्मत याद नहीं आ गीत तो खैर रही। लेंगे ही, लेकिन पहले जैसे गजल एक लेते हैं तो एकदम ये बात वाजे हो जाएगी कि भाई कितना हर शेर का विषय जो हाँ है नहीं बिल्कुल। बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। ठुकराओ या अब के प्यार करो, मैं नशे में हूं। जी, मैं नशे में हूँ, हाँ हाँ शेर का विषय अलग अलग है, हालांकि थोड़ा सा उसमें वही है कि भाई हर शेर में नशे की बात है, मैं नशे में हूँ, इसका रदीफ बड़ा लंबा है ना, मैं नशे में हूँ, अच्छा तो हर शेर में वो कोई बात कोई कहीं ना ऐसी कहीं। गजल लीजिए जो फिल्म में आई हो, क्योंकि हाँ, जो ऐसे फिल्म में बच्चे आई हो, रिलेट कर पाएंगे। बच्चे रिलेट कर पाए, सुन सकें जिसको मतलब। चुपके चुपके रात दिन। चलिए वो भी ठीक है, लेकिन वो थोड़ी सी मुसलसल सी गजल है, एक सब्जेक्ट अच्छा है उसमें कायम रहता है वही सब्जेक्ट लगभग, लेकिन बाकी नहीं रहता है। जैसे कोई और गजल जो सुनी हुई हो, जैसे चुपके चुपके भी शायद सुनी तो होगी सबने। हाँ हाँ, गुलाम अली ने गाया तो सबने सुनी जरूर होगी। हाँ हाँ बताओ भाई। जगजीत ने भी गाया वैसे। हाँ जगजीत ने भी हाँ गई है। तो और जो बच्चों ने सुनी हो, अब बिस्माई बताएं कोई गजल कौन सी सुनी है। गजलें तो बहुत चलते फिरते सुनते ही रहते हैं हम लोग। जी सर अरे होश वालों को खबर क्या। हाँ चलिए, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, ये तो सरफरोश में है, शायद सबने सुनी ही होगी, जगजीत ने भी गाई है। और तो अब इसके जो शेर हैं, हर एक का विषय अलग अलग, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। अब इसे शेर जो हैं, इश्क कहते हैं मतलब में ही मतलब इश्क कहते हैं किसे और आशिकी क्या चीज है। इश्क इसका जो सबसे अच्छा शेर मुझे लगता कीजिए है, फिर समझ समझ अच्छा के, इश्क जिंदगी कीजिए क्या फिर चीज, समझिए, अच्छा कीजिए, अच्छा करने के बाद ही समझ में आता है, ये भी सही बात है। बिना किए इश्क भी। कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है ना, बताइए मुझे याद नहीं है।
यही है बिल्कुल। हाँ, तो अब ये हो गया मतलब। अब इसका जो शेर है कि हम लबों से कह न पाए उनसे एक हाले दिल सांस, कभी, उनसे हाले दिल कभी, ये नहीं, ये खामोशी क्या चीज, और ये एक वो अलग समझे बात नहीं। है, हाँ और वो समझे नहीं ये खामोशी क्या चीज है। तो ये इसका जो विषय है बिल्कुल अलग हो गया। मतलब में आप कह रहे थे इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। अब इसके और आगे शेर बढ़िए तो दूसरी कोई बात भी खुलती कह दी जुल्फों होगी। ने सिखाई मौसमों हाँ, को मौसमों को शायरी, शायरी, झुकती आंखों ने झुकती बताई आंखों ठीक ने है ठीक है। सिखाया। हाँ, तो ये अलग 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 बातें कही जा रही हैं इसमें। जैसे बशीर बद्र का एक कलाम है, मुझसे बिछड़ कर खुश रहते हो मेरी तरह तुम भी झूठे हो। ये देखिए इसमें रदीफ नहीं है गजल में, सिर्फ काफिया है इसमें। मुझसे बिछड़ कर खुश रहते हो मेरी तरह तुम भी झूठे हो। अब इसमें शेरों में बिल्कुल अलग अलग बात कही गई है। मुझको शाम बता देती है तुम कैसे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल अलग बात है ये। उसके बाद एक टहनी पर चांद टिका था मैं ये समझा तुम बैठे हो, बिल्कुल अलग बात कह दी गई है। जी इसमें और भी एक दो शेर हैं इसमें और अलग अलग बात कह दी गई है। तो आप कोई भी गजल सुनेंगे तो उसमें अलग अलग बात। गीत, अब हम गीत बता रहे थे अरुण सर को, बताइए सर। दिलो होठों से छू लो तुम। तुम एग्जैक्ट हाँ, सबने होठों से छू लो तुम, मेरा दिल सुना कवर होगा कर प्रेम दो। सबने गीत। सुना होगा ये तो, बिल्कुल सुनता ही है, बच्चों ने सुना होगा। नहीं सुना होगा तो इश्क मोहब्बत कैसे आरंभ कर पाएंगे, जो इश्क मोहब्बत आरंभ करता है तो इसी गाने से आरंभ करता है। पता नहीं है मॉडर्न जनरेशन है, पर ठीक है फिर भी सुनना चाहिए। तो होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, ये इसका मौजू एक ही रहेगा। आपको तीन इसके बंद हैं कि क्या है कि पहला है ना, ना उम्र की सीमा ना हो, उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला कर तुम ये रीत अमर कर दो। फिर उसके बाद आकाश का सूनापन मेरे तनहा मन, मतलब वो कह रहा है अपनी प्रेमिका से, कह रहा है कि भाई प्रपोजल मेरा एक्सेप्ट कर लो। बात उसमें एक ही है सारे गीत में, तीनों अंतरों को आप अगर देखें तो, कि भाई मैं तो प्यार करता हूं तुमसे तो अब तुम हाँ कह दो। कहने का भाव यही है उसका समूचे गीत का। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हरदम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो। या फिर आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छनकाती तुम आ जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो। तो बिल्कुल एक ही विषय है, तो गीत का विषय नहीं बदलता है, जो जिस भाव से गीत शुरू होता है उसी भाव पर समाप्त होता है। चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे वो प्रपोजल का सॉन्ग हो जैसा ये है, चाहे वो खुशी का गाना हो, लेकिन गजल में ये बात आपको नहीं। गजल में अलग अलग शेर आपको मिलेंगे, वो वैरायटी है गजल की। तो मेरे ख्याल से ये तो अभी क्या कहते हैं, रिदम की तरफ बढ़े, क्योंकि दो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे राइम और रिदम। हालांकि राइम और रिदम का सिर्फ होना ही काफी नहीं है किसी भी रचना में, गजल में। जैसे कल जावेद अख्तर साहब बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दे रहे थे, मतलब मैंने कल सुना, दे तो शायद 10 महीने पहले कहीं रहे थे, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में प्रोग्राम था। 71 72 73 74 75 76 राइम है, तुक मिल रही है लाइनों की, रिदम भी है, बिल्कुल उतने ही वजन के शब्द हैं सब, 71 72 73 74 75 76, लेकिन ये रचना तो नहीं है, ये कोई गजल तो नहीं हुई, ये कोई गीत तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि इसमें कोई ख्याल नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिखा है ये गाना अपने हिसाब में, वो बात अलग है। तो फिर उसको उन्होंने कैसे गीत किया है वो एक अलग बात हो जाती है, लेकिन सही बात है। तो राइम और रिदम में अगर हम कोई चीज कह दें सिर्फ, उससे वो साहित्य नहीं बन जाता है। लेकिन गजल गीत में राइम रिदम आवश्यक है, और बात भी कहीं कहीं नहीं चाहिए। बिना राइम रिदम के अगर कुछ बात कहनी है तो आजाद रचना में वो बात में फिर दम होना चाहिए। उसमें राइम रिदम थोड़ा आपकी हेल्प भी करते हैं, बात में अगर दम नहीं भी है तो पैलेटेबल बना देते हैं उसको, मेमोरेबल बना देते हैं, कोटेबल बना देते हैं। ऐसा भी होता है कि उतनी बात में कुछ विशेष दम उतना कभी नहीं भी होता है तो भी राइम रिदम में है तो अच्छी लगती है सुनने में और याद रखने में, और कहीं गाने में भी गेयता भी होती है उसमें। तो इस तरह से, तो अब जो रिदम है गजल का, जिसको हम हिंदी में छंद कहें, उर्दू में बहर कहें, हिंदी कविता का छंद कहें, आजकल अछंद या स्वछंद मुक्त छंद कविताओं, या आजाद कहता हूं उसको मैं, लेकिन उर्दू में ये सहूलियत, उर्दू या हिंदुस्तानी जिसको कहूँ, उर्दू ही क्यों कहूँ कि हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू का मिश्रण है, तो गजल और गीत में आपको ये सहूलियत नहीं है कि आप कहेंगे आजाद गजल लिखी है मैंने,
ऐसा नहीं हो सकता है। आजाद गीत लिखा है, नहीं, वो आजाद रचना होगी, कविता होगी, आजाद होगी, वो गजल गीत आप उसको मत कहिए। हाँ, नज्म हो सकती है आजाद, लेकिन नज्म में जनरली राइम रिदम रहता है, कोई कोई नज्म आजाद है। तो गजल गीत लिखना है तो ये छंद बहर थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। अभी क्या है छंद बहर? पहली बात तो क्या है ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत जरूरी है। मैंने कहा एक और दो की गिनती आनी चाहिए इसमें। तो हम जब कोई शब्द लिखते हैं तो उसमें मात्राएं होती हैं, सिलेबल्स होते हैं, उसमें कहने में कितना वक्त लगता है वो उस पर डिपेंड करता है कि इसमें कौन से अक्षर हैं, कौन सी मात्राएं हैं, है ना। तो अब पहली बात तो ये कि कहना सुनना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत लिखने से। श्रुति इज मोर इम्पोर्टेंट देन राइटिंग, चाहे वो गीत हो चाहे गजल हो। बहर का मामले में जैसे हम कहते सुनते हैं उसको, उसी तरह गिनी जाती है, शब्दों का वजन जो है, वजन जो है, उसी तरह गिना जाता है। तो अब ये कैसे, ये होता क्या है? सुनने में बहुत हाई फाई लगता है, टेक्निकल लगता है, लेकिन हम दो चीजें जानते हैं, गुरु मात्राएं, लघु मात्राएं, छोटी मात्राएं, बड़ी मात्राएं। ये हमने जब वर्णमाला सीखी थी तो आ ई जब सीखी थी तो छोटी बड़ी मात्राएं हमने सीखी थी, और मैं समझता हूँ आजकल के बच्चे भी आ ई सीखते ही होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो छोटी ई और बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये सब हम सीखते हैं। तो कौन सी मात्राएं छोटी हैं, कौन सी बड़ी हैं, ये आजकल के बच्चों में से कोई अगर बता सके तो अच्छा। आ ई की मात्राएं बताइए, कौन सी छोटी हैं, कौन सी बड़ी? बताइए, आप बताइए बताइए, प्रयास अनम्यूट कीजिए, करिए बताइए। अपने आप हाँ, को। अरे हनी कोई? सर, अच्छा, हनी सर। नहीं, शायद बच्चे अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं या कुछ है। हाँ हाँ ठीक हाँ ठीक है, आवाज हाँ सर आपने सवाल नहीं समझे। सवाल मेरा ये है कि हम जब वर्णमाला सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो कुछ मात्राएं छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, जी सर, है ना। तो आ ई जब हम सीखते हैं ना, तो उसमें से छोटी मात्राएं कौन सी हैं और बड़ी मात्राएं कौन सी हैं, ये आप थोड़ा अगर बताइए तो आसानी होगी रिदम समझने में। कैसे कर बताइए। छोटा आ बड़ा, जैसे शायद छोटा अ होता है और बड़ा आ होता है, ई होती यस, बिल्कुल ठीक। है और आगे, बड़ी छोटी ई होती है, छोटा ए होती है, बड़ी ई होती है। हाँ, उ होता छोटा उ होता है, बड़ा उ होता है, है। इस तरह से ये मात्राएं हैं। अब जी है सर, ना, जी ठीक है। थोड़ा अब और इसे मजे से अगर इसको बोला कागज, जाए हाँ तो ई उ उ जी, बिल्कुल 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 सही बात है। तो इस तरह से हम अगर समझे, हम लिखने में, जैसे कागज एक शब्द है, कागज, तो वो जब लिखेंगे हम तो कौन सी मात्रा बड़ी है कहाँ और कौन सी क्या है छोटा है, ये बताइए सुषमा जी, या कोई भी शब्द लीजिए। कागज मैंने एक शब्द लिया, या अपने अपने नाम का भी हम बता सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो जब हम रिदम सीखते हैं तो हम वैसे ही सीखते हैं। अब जैसे क में आ की मात्रा है, तो ये बड़ी है या छोटी है? का, सबड़ी बड़ी, बिल्कुल। और गज, का गज, ग, बस ग, ये क्या है? का सर, लिखने में तो इसमें कोई मात्रा उपयोग नहीं होती, लेकिन मात्रा वैसे नहीं है, तो नहीं है छोटा तो ग एक मात्र, एक एक मानेंगे, ज एक मानेंगे। छोटी मात्रा को हम एक मानते हैं, बड़ी को दो मानते दो मानते हैं। जी हैं। छोटी एक, बड़ी दो, कागज यानी दो एक एक, ऐसा हुआ, है ना। तो अब आप अपने अपने नाम का, हम जैसे मैं पहला रिदम की जो पहली बहर है वो वही है, उसका हम फैलुन फैलुन, ये नाम पर आप कंफ्यूज मत होइए। फैलुन फैलुन का मतलब क्या है? फैलुन कैसे लिखेंगे? फैलुन, फ में ए, आई, फैलुन, दो, ए की दो मात्रा है, जी फै दो की मात्रा है, लुन, ल, उ, न, लु, छोटा एक ऊ एक, की एक बस मात्रा। बस, कागज, कागज वाली बात आ गई है, फैलुन कागज, जी सर, ये चार मात्राएं हो गई, ठीक है। या इसको हम दो छोटी मात्राओं को मिला के एक बड़ी मात्रा भी मान सकते हैं कि दो हो गए, 1 + 1 = 2, है यस ना। तो ये जो पहली बहर है, सबसे पहली बहर जिसको हम फैलुन फैलुन कहते हैं, वो है टू 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 टू, टू 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 टू, टू 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 टू, ठीक है। अब ये याद रखने के लिए आप
फैलून या दूसरे शब्द भी, अब जैसे यहाँ गौरी जी, उनका नाम इसमें फिट हो जाएगा, गौरी गौरी हो जाएगा, बिस्मा आपका भी नाम हो जाएगा, बिस्मा हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे पहला रिदम है जिसको हम बहुत आसानी से मास्टर कर सकते हैं। यानी इसमें समझना क्या है, दो 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 दो, जैसे चार चार के पांच है, 16 मात्राएं, 20 मात्राएं, 18 मात्राएं, इस तरह की लाइनें रहेंगी। तो लेकिन 16 है, एक बार पहली लाइन अगर 16 मात्राओं की है तो हर लाइन 16 मात्राओं की ही रहेगी, फिर दूसरी लाइन 18 की 20 की, ऐसे नहीं हो सकती पूरी गजल में, पूरे गीत में, ठीक है। और गिनेंगे कैसे, टू 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 टू, अगर दो बीच में छोटी भी मात्राएं आ गया, 2 1 1, ये भी हो गई, 2 2 हो गई बात कुल मिला के। तो समझ में आ रही है बात, जी सर। जैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको ये। अब जैसे मेरी एक गजल है, अच्छा पहले जो हमने गजल ऑलरेडी डिस्कस की है पहले कैसरुल जाप्पे की, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, इसमें कितनी मात्राएं हैं और कैसे हैं ये, मैं ये तो बता रहा हूँ, ये टू 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 वाली बहर, फैलुन 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 वाली ही बहर, पर कितनी मात्राएं हैं इसको हम गिनेंगे और कैसे दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, इसको गिनने का प्रयास करेंगे कैसे, दीवारों से, उंगलियों पर, हम उंगलियों पर, उंगलियां बहुत काम आती हैं इस, कैसे गिनेंगे, टू 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 टू, आप लोग गिन पा रहे हैं ऐसे, दीवारों से जी मिलकर रो, हाँ मिलकर रोना, कितनी हो गई यहां तक, दीवारों से मिलकर रोना, सर, 12। नहीं फिर से गिनिए, दीवारों से कितनी हो गई, उंगलियों पर गिनिए। अच्छा मन में नहीं होगा, मन में कंफ्यूजन हो जाएगा लाइन की। हाँ हाँ दीवारों हाँ से 8 होगा, आठ, बिल्कुल बिल्कुल, दीवारों से, ठीक है आगे गए, सही है। मिलकर सिक्सटीन रोना। का बनेगा, हाँ क्या बनेगा, 16, 16। हाँ नहीं यहाँ तक 16 हो गई, दीवारों से मिल, पूरी लाइन थोड़ी हुई है, दीवारों से मिलकर रोना, ठीक है, जी अच्छा सर। लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, 16 के बाद कितनी हुई, अच्छा लगता है, 6 मात्राएं और हुई मेरे ख्याल से, 6 मतलब 12, दस 10, 10 अच्छा करेक्ट, 10, 10, ओके। अच्छा लगता ये है, पूरी लाइन 26 मात्राओं की हो गई। 26 मात्राओं की बिल्कुल हो गई लाइन ये, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, इसको मतलब फैलुन 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 फै, ठीक है। अब इस गजल की सारी लाइनें, सारे मिसरे इसी पैटर्न में होंगे, 26 26 मात्राओं के, और इसी पैटर्न में होंगे, इसमें अब कोई बदलाव पॉसिबल नहीं है, सेट हो गया ये, कोई भी मिसरा इस गजल का आप आगे उठा के देखेंगी तो आपको 26 मात्राएं ही, अगर नहीं मिलती हैं 26 मात्राएं तो गड़बड़ है आपके गिनने में या शायर के लिखने में। सर, अगर 26 मात्राएं नहीं होंगी तो ये गजल गजल नहीं होगी। ये गजल नहीं, ये जो गजल शुरू की है शायर ने लिखनी, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, ये गजल फिर उस गजल में 24 मात्राओं की लाइन नहीं हो सकती, पहली लाइन 26 की हो गई, बस एक लाइन से आपको पता चल गया कि पूरी गजल कैसे आगे जाएगी, कैसे इसकी बहर पता चल गई आपको, फैलुन फैल, बहुत सारी बहरें हैं दुनिया में, मेन बहरें 18 19 हैं लेकिन यूज 10 12 ही होती हैं, लेकिन अलग अलग कॉम्बिनेशन से 300 के आसपास बहरें प्रचलन में हैं, पैटर्न, बहर मतलब एक पैटर्न होता है ना। अब इसी इसी में 24 मात्राओं की भी लाइन हो सकती है लेकिन वो गजल फिर दूसरी लिखनी पड़ेगी, जैसे मेरी गजल है सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ये इसी बहर में है लेकिन कितनी मात्राएं हैं अब इस बहर में, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा ऐसा किसने सोचा होगा, ये मेरी गजल है, तो अब इसकी गिनी आप, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा कितनी मात्राएं हैं, फैलुन 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 फैलुन, गिनिए गिनिए सब सब कुछ। कुछ हाँ अच्छा अच्छा होगा, 16 होगा। बिल्कुल, बस 16 मात्रा की एक लाइन हो गई, तो हर लाइन इस गजल की अब
मुझे 16 मात्राओं में ही लिखनी पड़ेगी। सेकेंड लाइन क्या बोली थी आपने? सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ऐसा किसने सोचा होगा, ऐसा किसने सोचा होगा। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, देखिए जी सर, ये भी ऐसा। सोलह की ही है। बिल्कुल, तो ये मेरी गजल के हर शेर आपको, अब इसी में इसका एक शेर सुनाऊं आपको। जी सर, तुमने मुझसे प्यार किया था, तुमको भी तो लगता होगा। तुमने मुझसे प्यार किया था, गिनिए इसमें अभी कितनी है और कैसे हैं। तुमने मुझसे प्यार किया था, 16 कैसे गिन के बताइए। सर, तुमने तुमने, हाँ, मुझे मुझसे, से हाँ मार बिल्कुल, कैसे गिनेंगे तुमने मुझसे, यहां तक तो ठीक है, आगे सर? प्यार किया था। हाँ, तुमने ही, हाँ गिनिए गिनिए, हाँ यही यही, ऐसे ऐसे ही सीखा जाता है, यहाँ आपको दिक्कत होनी चाहिए गिनने में। हाँ प्यार, प्यार हाँ और आर हाँ प्यार, प्यार किया या था, था। हाँ प्यार, जी, हाँ गिनिए बताइए। तुमने मुझसे के बाद बताइए कैसे गिनी। मुझे प्यार की हाँ प्यार, ठीक है, र की, किया नहीं, हाँ किया, किया को कितना गिना आपने और कैसे गिना बताइए। सर, 4 ऐसे तो 18 होगा सर। हाँ किया 3 होगा, बिल्कुल सही बात है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, बताइए ना। किया, प्यार किया सर, किया अच्छा, को 3 कितना गिना आपने, प्यार को कितना गिना, प्यार को कैसे गिना, प्यार प्यार प्यार, और हाँ आर प्यार, हाँ कितना गिना कैसे गिना बताइए। 4, प्यार 4 कैसे दो होगा। में आना चाहिए मेरे ख्याल से तो। प्या, यहां तक कितनी हुई, प्या 2, 2, र की 1 होगी कि 2 होगी, एक एक, प्यार 3 हो गई, ठीक है। जी सर, किया, किया की कितनी आपने, 3 पहले ही बोल दी, ठीक किया जी 3, है। प्यार किया, था की 4, 2 2 हो गई, 8 फिर से 16 हो गई। जी सर, तो अभी हो गए, तुमने मुझसे, टू 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 टू, प्यार की, मैंने बोला 2 अगर लघु मात्राएं हैं तो उसको मिला के हम एक गुरु मान सकते हैं, 1+1 2, तो प्यार, प्यार क 4 हो गई, किया था, तो प्यार क या था, तुमने मुझसे प्यार किया था। तो बिल्कुल 10, 11, 12, फिर 14, 16, ऐसे हो गए। तो ये बिल्कुल, ये कोई दोष नहीं है, ये ऐसा ही होता है, ये ऐसा हो सकता है, क्योंकि हर बार आपको टू 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 ऐसे आप नहीं लिख सकते, कहीं तो आपको लघु मात्रा, प्यार किया था, उसमें कोई अटकाव नहीं है, प्यार किया था, तुमने मुझसे प्यार किया था, तुमको भी तो लगता होगा। इसकी गिनिए, तुमको भी तो लगता होगा। 16 हाँ बिल्कुल, ये तो सीधा सीधा है ना, yes, तुमको भी तो, तुम गिन के बताओ, बताइए आप गिन के। हाँ सर तुम 2 को भी हाँ मतलब तो, चार चार में गिनो इसको, चार चार में गिनो तो प्रॉपर बहर समझ में आएगी। तुमको तुमको भी तो लगता हाँ होगा होगा, जी हाँ क्योंकि ये बहर चार चार की है, फैलुन 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 फैलुन, ऐसी बहर है ना, तो जी सर, तुमको भी तो लगता होगा। तो ये मेरे हर शेर में ये ऐसी ही ये बहर चलेगी। हाँ कहीं कहीं पर एक 1+1 2 तो हो सकता है, जैसे एक और शेर की आप गिनी है तो एकदम समझ में आ जाएगी। हाँ मेरी आवाज से तेरा दिल भी धक धक धड़का होगा। जी सर, हाँ मेरी आवाज से तेरा, कोशिश कर कीजिए गिनने की। हाँ मेरी आवाज से तेरा, चार चार में गिनी है इसको। हाँ मेरी आवाज से तेरा, इस बार राजेश भाई गलत नहीं होगा, आवाज में 5 होगा मेरे ख्याल से, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज में तो 5 होंगे। हाँ मैच इस बार ठीक करता हूँ। काफी तो अब आप चार चार में इसको गिनवाइए। मेहनत कर रही हूँ। अब इसको जैसे गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे। हाँ मैं, री आ, ऐसे चार चार के यूनिट्स में बता रहा हूं मैं। हाँ मैं, री आ, वाज से, वाज से तेरा। हाँ मैं,
वाज इसे वाज को तेरा, इसको वा दोगे को दो, ज को एक, से को, हाँ से को एक, क्योंकि बोलने में से है तो बड़ी मात्रा, लेकिन टाइम कितना लग रहा है बोलने में। हाँ मेरी आवाज से तेरा, ये एक रूल है कि बड़ी मात्रा को जब वो स्ट्रेस ना हो उस पर, जोर न दिया जाता हो उस पर, तो उसको एक में भी गिना जा सकता है। इसको मात्रा गिराना कहते हैं, लफ्ज गिराना कहते हैं। तो से को हमने गिराया है, एक दो की सेकेंड, बजाय से बड़ी मात्रा कैसे है? तो से, ए ए ए ए, ए है ना, ए थोड़ी है, हाँ तो ए ए है ना, स ए, तो ऐसे तो बड़ी ए मात्रा तो है छोटी के मात्रा होती से है, ले, तो लेकिन उसको हम कई बार एक गिनते हैं। वैसे भी वो एक ही होगा। ठीक है, अगर आप उसको एक ही मान रही है तो अच्छी बात है। नहीं, ए एक्चुअली छोटी और बड़ी मात्रा होती नहीं है, हाँ टेक्निकली भी नहीं ठीक है, होती नहीं मेरे नहीं हिसाब नहीं से। सुनिए, दोनों दोनों, इसमें एक चीज है, आप लिखावट पे मत जाइए। प्राइमरी इज श्रुति, जैसे हम बोलते हैं हम उसके, जैसे उसके बोलेंगे तो के पर स्ट्रेस दे रहे हैं ना हम, उसके ऐसा थोड़ी बोलेंगे, उसके तो उसके में आप दो गिनेंगे उसको, तो उस लाइन में वो कहाँ पर आ रहा है। चाहे लिखने में आप मात्रा देते हैं बड़ी या नहीं भी देते हैं बड़ी, लेकिन जनरली के से ले दे ये हम ऐसे आराम से बोलते हैं, तो दो मात्राओं के शब्द हैं, लेकिन उसको एक मात्रा के तौर पे भी बोला जा सकता है। वो डिपेंड्स की किस तरह की लाइन है। हाँ मेरी आवाज से तेरा, ऐसा थोड़ी है हाँ मेरी आवाज से तेरा, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हाँ मेरी आवाज से तेरा दिल भी धक धक धड़का होगा, तो इसको मात्रा गिराना कहते हैं। और ये ऐब नहीं है, ये कोई फॉल्ट नहीं है गजल का, मिस्टेक नहीं है, आपको किसी भी शेर में मिल जाएगा ये जो गिराना कहते हैं ना, जिसको जी हजफ कहते हैं, हजफ, जी हजफ नहीं, यानी जो आर्मी कट। सर जो बात कह रहे हैं, जी इसी मैं पूछना चाहूंगी कि ए और ओ को आप गिनेंगे भद्रा में या नहीं गिनेंगे? क्या क्या बिल्कुल गिने, बात नहीं है? नहीं बिल्कुल गिनेंगे, ओ बड़ी मात्रा है, को ओ बिल्कुल मात्रा है, ये दो दो में गिन, वैसे तो बड़ी बड़े इसमें गिना जाता है, लेकिन कई बार इसको गिराया जाता है और एक में गिना जाता है, तो बिल्कुल होता है ये। जैसे हो चुकी उनसे मुलाकात, चलो सो जाएं, तो सो जो शब्द है वो दो मात्राओं का शब्द है, और बिल्कुल उस बहर में भी दो ही गिना गया है उसको, हो चुकी उनसे मुलाकात, चलो सो जाएं, ढल गया चांद गई रात, चलो सो जाएं, क्योंकि सो में उतना टाइम लग रहा है ना दो वाला बोलने में, दो सो, तो वही बात है। तो लेकिन कहाँ गिराना है शब्द, उसके नियम है, नियम ये है, बहुत सिंपल सा नियम है उसका भी, आप केवल स्वर को ही गिरा सकते हैं, कंसोनेंट को नहीं गिरा सकते, व्यंजन को नहीं गिरा सकते, आप स्वर को गिरा सकते हैं, दो को एक गिन सकते हैं जहां जरूरत हो और जहां वास्तव में बोलने में उस पर जोर न दिया जाता हो। एग्जाम्पल ये अभी जो हमने गिराया, ऐसे तो कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे दो चार। बिल्कुल, जैसे इसी बहर के और जो गजलें हैं। अब प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, ये भी इसी बहर की गजल है, अब इसको गिनिए, 4 4 4, 2 2 2 2 2 2 2 2, ये फैलून फैलून, पहले तो आप थोड़ा याद करना पड़ेगा, या तो आप फैलून फैलून याद कीजिए या नाम याद कीजिए अपना तो भी चल जाएगा। तो फैलून 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 फैलून, प्यार का पहल, अब इसी में प्यार का कैसे गिनेंगे, कोशिश कीजिए गिनने की, प्यार का चार में मुझे गिनना है, प्यार का पहला, प्यार का चार हो गया। जी प्यार का चार हो गया, का को हमने एक ही गिनाया, प्यार का पहला खत लिखने में, ऐसा प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो, वक्त तो को भी गिराया हमने, तो है ना वैसे तो है वो, वक्त तो लगता है, पूरी 26 मात्राएं हैं, दीवारों से मिलकर रोना वाली बात है। तो प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, इसकी कोई भी लाइन आप इस तरह से इसको स्कैन जब तक करेंगे नहीं ना खुद, तब तक वो क्लियर नहीं होगी, सुन के क्लियर नहीं होगी, जब तक खुद नहीं करेंगे उसको क्लियर, ऐसा गिनेंगे नहीं तब तक वो क्लियर नहीं होगी। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, अब इसको कोशिश कीजिए करने की, अब ये नए आप चार, हो गया सर चार। नए, तीन होगा हाँ नए तीन होगा वो। बिल्कुल, नए प, नए प चार होगा, परिंदो है ना आगे, एक आगे परिंदो है दो ना, तो नए प, तीन
परिंदों को उड़ने में, ऐसा नए प नए तीन कैसे होगा? न एक ए दो न ए न ए न ये, अगर यह लिखेंगे तो ये न ये नए प। आप वर्तनी की लिखावट पर मत जाइए, बोलने पर जाइए। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। अब ये चार का पैटर्न ये 1-2-1 वाला हो गया यहाँ पे। ये कभी कभी होता है ऐसा, चार यानी देखो तीन तरह से हो सकते हैं चार चार, 2-2, 2-1-1, 1-1-2 या 1-2-1, ऐसा भी हो सकता है। ये 1-2-1 आ गया यहाँ, नए परिंदों। अब जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। इसमें चार चार में कोशिश कीजिए गिनने की, थोड़ा शुरू में लगेगा कि दिक्कत है या फिर ऐसे तो हम नहीं लिखते इसको, लेकिन ये बोलते कैसे हैं उस पर है ये। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था। 30? थर्टी कहाँ है? 26 है। साथी कैसे मिले? कौन सा, नए सुपर। परिंदों वाले में? नए परिंदों वाले में हाँ, नहीं सर, मैं इसी का बोल रही थी, क्या? इसी का बोल रही है। अच्छा, जिसमें की बात नहीं थी। हाँ नहीं, गिनना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा ना। 30 तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो 26 ही। हस्तीमल हस्ती जी ने आखिर गजल लिखी है और जगजीत ने गाई है, तो 26 के 30 तो होंगे नहीं। हाँ मैंने लिखी होती तो मैं थोड़ा डर जाता मैं कि भाई क्या पता भाई हो भी जाए। तो अभी गिनिए, चार चार करके गिनिए। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, कैसे लिखेंगे, कैसे गिनेंगे? शुरू शुरू कीजिए, गिनना शुरू कीजिए। और एक बात ध्यान में रखिए, लोग शब्दों को तोड़ने में हिचकिचाते हैं कि यहाँ टूटे शब्द टूटेंगे। चार 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 के यूनिट्स बनाएंगे तो शब्द टूटेंगे, वो टूटने दीजिए उनको, क्योंकि हमको आदत नहीं है ना ऐसे बोलने की, इसलिए तकलीफ होती है। फिर गिनेंगे कैसे? जिसमें जिस्म की, जिस्म की। यहां तक चार हो गए। बात बात न ही थी नहीं उनके दिल है, तक जाना था। नहीं जिस्म की, मुझे मालूम है आप यहीं अटक रही होंगी कि पहले जिस्म की बात न, को कितना काउंट करेंगे। हाँ किसको किसको? मैंने आपसे तभी पूछा कि जिस्म को कितना काउंट करेंगे। अच्छा ये सवाल सुनाई नहीं दिया। देखिए जिस्म कैसे लिखते हैं, जे जिस दो हो गए, वो म तीन हो गए, जी जिस्म तीन, अगर सु वन का वजन है, जिस्म की को एक जिस की लेंगे, किसको किसको की, हाँ सी को गिराना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ गिराना पड़ेगा। जिस्म की, जिस्म की, जी सर, फिर हाँ जिस्म की, उसके बाद बात बात, हाँ बात ना, बात, हाँ बोलिए बोलिए, बात ना, हाँ बात न ही थी। ऐसे ऐसे चार चार के यूनिट बनेंगे, उनके दिल उनके दिल तक जाना जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। ये तो बहुत आसान है, इसको तो गिनिए बिल्कुल, इसमें तो कुछ टूटेगा भी नहीं। लंबी दूरी तय करने में बोल के गिनी। जी सर, ये भी 26 ही होगा हाँ और नहीं, एक बार गिन के बताइए ना कैसे। सर। लंबी लंबी, हाँ दूरी लंबी दूरी तय कर तय कर, यस में वक्त ने में, हाँ तो लगता वक्त तो लगता होगा है, लगता है होगा नहीं सर। है। तो लंबी दूरी तय कर पे रुकी ना आप, तो बिल्कुल मैं समझ गया कि आपको गिनना आ रहा है। नहीं तो तय करने में, तय करने शब्द तो पूरा करने पर हो रहा है, तय करने में। तो जी सर, इस तरह से ये फैलून 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 में प्रैक्टिस के तौर पे कुछ भी लिख के भी देखा जा सकता है, कुछ अगर लिख के देखना हो, कुछ कर रहा हो। हाँ फैलून इस तरह की राइम स्कीम का नेम होता है। हाँ ये जो जिसको रुक्न कहते हैं, अरकान कहते हैं, इस बहर के अरकान कहते हैं, ये फैलुन, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये बस 2-2, 2-2 ऐसा है इसका मतलब, 2-2-2-2।
फैलुन, तो फैलुन। अब वो टू टू का टू वन वन हो रहा है कहीं कहीं पे, वन टू वन भी हुआ जैसे नए परिंदों को उड़ने में, और वन वन टू भी इट्स हो सकता है, 5:37 PM. है ना। तो इस तरह से ये पहली बहर, पहली बात तो समझ में जब आएगी तभी आगे की जो बहरें हैं ना वो जल्दी समझ में आएंगी। ये तो सबसे सिंपल पहले बहर है ये पहली, और ये अगर इसका मर्म समझ में आ गया कि हम कैसे गिनते हैं इसको, तो फिर आगे भी समझ में आएगा। और इसमें हमको ये भी समझ में आ गया कि लफ्ज गिराते भी हैं, हजफ कहते हैं उसको, तो वो गुरु मात्रा को लघु कर सकते हैं कभी कभी, लिखने में नहीं बोलने में जब जरूरत हो बहर के हिसाब से, तो ऐसा होता जी है। तो मेरे ख्याल से इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचना पड़ेगा, तभी हम दूसरे एपिसोड में जो बाकी जो बची हुई 6-7 मेन बहरे हैं ना उन पर बात कर सकेंगे और उनको देख सकेंगे अलग अलग एग्जाम्पल्स इनके जो क्या हैं और कैसे हैं, क्योंकि ये सबसे पहली बहर है रिदम की जो आनी चाहिए। तो अगर ये आ गई तो फिर बाकी बाकी इससे थोड़ी सी नेचुरली अलग होंगी, थोड़ी सी बड़ी होंगी, थोड़ी सी अलग, ये तो बहुत बेसिक पहली वाली है। अब इसमें कई फिल्मी गाने भी मिल जाते हैं, जैसे आ, आ, गजल है, अपनी धुन में रहता हूँ गुलाम अली की, मैं भी तेरे जैसा हूँ, तो ऐसा। और भी प्यार का पहला खत तो है ही है, दीवारों से है, सब कुछ अच्छा अच्छा है, ये 4-5 एग्जाम्पल तो मैंने, और भी जैसे सोचेंगे कहीं सुनेंगे तो हम सोच के देखेंगे भाई इस पर तो नहीं है ये। वैसे बड़ी अच्छी एक चीज है, रेखता का तख्ती प्रोजेक्ट है, रेखता की वेबसाइट में, रेखता एक वेबसाइट है, वहां तख्ती है, तो वहां आप कोई भी लाइन डाली है तो अगर बहर में है तो बताता है कि ये बहर में है, कौन सी बहर में है, क्या है, वो आपको बताता भी है। खैर लेकिन ये वो समझने के लिए, पहले समझी हुई हो बहरें फिर बाद में प्रैक्टिस करने के लिए उसको यूज किया जा सकता है कि मैंने जो सोचा वो बहर में है और कौन सी बहर में है, मतलब जो समझी हुई बहरें तभी तो समझ में आएगा ना, कोई नई बहर बता देगा वहां तो वो कैसे समझ। और क्लासिकली तो जैसा मैंने बताया 18-19 ही बहरें थी, उसमें से 10-12 ही उर्दू में यूज होती हैं, लेकिन आजकल हिंदी उर्दू सब में मिला के बहुत सारी सैकड़ों बहरें प्रचलित हैं। कोई भी पैटर्न, एक बहर मतलब जस्ट अ पैटर्न ऑफ मात्रास, वो अगर रिपीट हो रहा है हर लाइन में वही पैटर्न। सर बहर मतलब जिसे हम इंग्लिश में राइम स्कीम बोलते हैं. नहीं राइम तो अलग हो गई ना, वो रदीफ काफिया जो हमने कहा वो जी राइम सर. स्कीम है, ये रिदम है, रिदम इंग्लिश में इसको प्रोसोडी कहेंगे, मीटर कहेंगे, मीटर जी सर. मीटर मेजर करने वाला मीटर, ये मेजर करता है लंबाई लाइनों की। मैं पर्सनल एक बात बताऊं कि मैंने जब लिखना शुरू किया और थोड़े दिन हुए और मुझे लगा कि मैं हाई स्कूल में था, तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं लिखना बंद कर दूंगा। वो क्यों निर्णय लिया, तो मुझे लगा ये लाइनें एक जितनी लाइनें तो हो नहीं रही हैं, कोई समझाने वाला भी नहीं था, मैं शब्द गिने, मैंने शब्द गिने, अच्छा इतनी उससे तो बात बन नहीं रही, बोलने में समझ में आ रहा था कि गड़बड़ हो रही है, तो मैंने कहा नहीं अब ये तो अपने बस की बात नहीं है, तो लिखना विखना जो है वो कोई छोड़ दो, और ऐसा मैंने तय कर लिया। बाद में जाके एक उस्ताद आए और उन्होंने थोड़ा 1-2 दिन हमें सिखाया, 2 दिन की क्लास ली, 2 दिन मतलब 1-1 घंटा, तो उसके बाद फिर जितना थोड़ा बहुत भी किया है, थोड़ा बहुत लिखा है वो लिखा है। और वैसे एक और तरीका है, मतलब बहरें तो समझनी जरूरी है, वो तो समझनी चाहिए, पर कोई लोग एक ट्यून पर लिखते हैं जैसे फिल्मी गानों पर, और मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी जो गजल है काफी मतलब काफी तो क्या पर है, मतलब अच्छी थोड़ी है, यही अंजाम है अक्सर किसी से दिल लगाने का, मैंने एक फिल्मी धुन पर लिखी थी, मुझे बहर वहर की कोई जानकारी नहीं थी, 1994 की बात है जब मैं कॉलेज में जी था, तो मैंने वो लिखी, और बाद में एक बड़े शायर आए हमारे नागपुर में, मैंने उनको सुनाई, वो हक्का बक्का रह गए, उन्होंने मुझे बुलाया, बोले इधर आओ इधर आओ, मैंने कहा क्या हुआ सर, बोले कहाँ सीखा तुमने लिखना, मैं डर गया, मैंने कहा मैंने कहीं नहीं सीखा, बोले झूठ मत बोलो, मैंने कहा बिल्कुल नहीं सीखा मैंने, कहीं झूठ क्यों बोलूंगा, मेरे क्या 18 साल का हूँ कॉलेज में, मेरे झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा, या तो ये गजल कहीं से चुराई है, मैंने कहा नहीं ये चुराई भी नहीं है, ये मैंने लिखी है और मैंने बहर वह वजन वजन कुछ नहीं सीखा है। तो बोले इसमें एक भी मीटर की गलती नहीं है, ये कैसे हो सकता, ये चमत्कार है। मैंने कहा चमत्कार नहीं है, ये मेरे फिल्मी गाने की तर्ज थी, एक फिल्मी गाना मेरे जहन में कौंध रहा था और उसी को आधार बना के उसी तर्ज में गा के मैंने वो लिख ली, तो वो एक बहर में हो गई, जिस बहर में वो, मैं वो बता भी सकता हूँ वो फिल्मी गाना कौन सा था, वो सुना होगा शायद आपने, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। अब ये भी गजल है वैसे तो, मुकेश ने गाई है, तो इसी पर मैंने लिखी कि यही अंजाम है अक्सर किसी से दिल लगाने का, और बिल्कुल उसी तर्ज में गा सकते हो आप, मुफाइलुन मुफाइलुन बहर है उसकी, अभी तो अब तो पता है कि कौन सी बहर है, लेकिन तब पता नहीं थी।
तो इस तरह से ये हो सकता है प्रैक्टिस के लिए, और जिसको बाहर की जानकारी नहीं है तो, लेकिन ये फुल प्रूफ मेथड नहीं, बहर में गलती हो सकती है, लेकिन हमको लगता है कि उसी सुर में आ रही है लेकिन नहीं भी आ सकती है। कई बार हम उतना बारीकी से नहीं समझ सकते, तो बहर की गलती हो सकती है उसमें ऐसा करने में। तो अच्छा ये बात बताइए, अब पूरा सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने, इसमें रदीफ काफिया क्या है, इसमें रदीफ क्या है और काफिया क्या है? सर एक बार आप रिपीट करेंगे। हाँ, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती। ये गीत है वैसे, गजल नहीं है, क्योंकि इसका अंतरे तीन तीन लाइनों के हैं। सर ये हमें हाँ सोने नहीं बिल्कुल देती, इसमें रदीफ है और बिल्कुल, आते इसमें काफिया है। हाँ, आते बातें रातें हैं मुलाकातें, तो ये आते जो मुलाकातें रातें बातें ये काफी, जी सर। तो इस तरह से। हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, और इसकी बहर है मुफाइलुन मुफाइलुन, जिस पर मैंने लिखी थी, उस पर बाद में अगले एपिसोड में मेरे ख्याल से बात करेंगे। लेकिन ये बेसिक फैलुन 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 फैल फूलिन ऐसे समझ में अगर आ जाए बहर, तो इस पर कई सारे गाने मिल सकते हैं, फिल्में भी मिल सकते हैं, गजलें भी मिल सकती हैं। तो इसमें अगर कोई शक कोई सवाल हो तो बताइए, वरना बहुत बहुत बोर कर लिया मैंने। हाँ लेकिन यहाँ दो क्लासेस से बात नहीं बनेगी सर, ये तो आपको अपनी रणनीति थोड़ी तय करनी पड़ेगी। हाँ नहीं तो ठीक है, समय समय पे जैसे मिला करेंगे, उसमें क्या है, तो हो जाएगा अगर इंटरेस्ट है सीखने में तो। सर जी बताइए। हाँ हाँ सर अभी एक करंट न्यू फेमस सॉन्ग था, मैनू विदा करो, हाँ वो मैंने सुना था एक गजल है, वो सच नहीं, में हो? वो तो शिव कुमार बटालवी की एक कविता है। शिव कुमार कविता बटालवी पंजाबी में हुए थे, गजलें भी हैं उनकी बहुत सारी, लेकिन ये जो मैंने विदा करो जो है ना, ये उनकी एक कविता है, पंजाबी कविता है, बड़ी अच्छी कविता है, और उसको आधार बना के ये गीत लिखा, मेरे ख्याल से मनोज मुंतशिर ने लिखा या शायद और किसी ने लिखा, उन्होंने नहीं लिखा। तो ये मैंने विदा करो जो चमकीला का गाना जो है ना, हाँ, तो वो शिव कुमार बटालवी की ओरिजिनल कविता पर आधार बना के लिखा, ओरिजिनल कविता तो अलग है उनकी, पंजाबी में है वो, लेकिन जी। ये गीत लिखा गया मैंने विदा करो, और वो भी बड़ा अच्छा गीत है और सही है। तो मैंने वो भी सुनी है ओरिजिनल कविता, और वो भी बहुत गहरी और बहुत अच्छी कविता लगी थी मुझे। तो जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिस्मा को भाई वाकई दिलचस्पी है, तो बिल्कुल आगे सीखो और अटेंड करो अगले एपिसोड्स भी, सभी लोग करें, और धीरे-धीरे अब हमें जितना थोड़ा बहुत जानकारी है उतना तो बता देंगे, बाकी तो फिर अपनी अपनी लगन है, अपना अपना परिश्रम है, और उस पर मेहनत मेहनत तो करनी पड़ती है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है, गलतियां होती हैं हमसे, आज भी हमसे गलतियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती हैं, होंगी वो तो किसी से भी होंगी, तो इसीलिए फिर वो इसलाह जो की जाती है और जो तो बातें होती हैं। तो ये लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना दुरूह चीज नहीं है, इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है जितना लोग इसको बना देते हैं और सिखा देते हैं इस तरह से करके कि ये बहुत ही कोई बहुत मुश्किल सी चीज है, ऐसा नहीं है ये बिल्कुल। मैंने जैसे कहा राइम के लिए तो ABCD आनी चाहिए, और रिदम के लिए अंक गणित बस एक दो की गिनती आनी चाहिए, और बस थोड़े बहुत नियम है कहाँ मात्रा गिरा सकते हैं, बस, और बाकी तो कुछ नहीं है। अलग अलग बहरे हैं, अलग अलग पैटर्न्स है, 10-12 इनिशियल 7-8 बहरे भी सीख लें तो बहुत है, क्योंकि हम उससे ज्यादा में नहीं लिखते, उससे ज्यादा में कोई नहीं लिखता है, लेकिन हैं बहरे अलग अलग तरह की हो सकती है, जी जिस तरह हिंदी के छंद हैं 15-20, मुश्किल से 10-15 ही होंगे, इसी तरह ये बहरे भी हैं 10-15, है ना? टेबल बिल्कुल टेबल पे हाँ टेबल पे। सर आपका तो नाम क्या है? मैं राजेश आसुदानी, और रकीब जो है मेरा तखल्लुस है, पोएटिक नेम है, जिसको कहते हैं जो मकते में आता है ना शायर का नाम, जी सर वो रकीब है, रकीब, और राजेश आसुदानी नाम है मेरा। आप क्या करती हैं बिस्मा जी? सर मैं अभी स्कूल स्टूडेंट हूँ अच्छा, कौन सी क्लास में? सर 10th। ओके वेरी गुड, तो आप 10th में होते हुए भी ऐसे इसको समय दे रही हैं चीज को, अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है, मैं भी 10th में, कहाँ कहाँ मुझे पढ़ती हो याद है। बेटा? मैम मैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल SKV आदर्श नगर से। अच्छा, नहीं बिल्कुल अपनी रुचियों के लिए समय देना ही चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई मतलब केवल पढ़ाई पढ़ाई नहीं होती, और ये भी पढ़ाई है और क्या। तो आप लिखती हो?
यस नहीं, मैम। अच्छा बिस्मा ही बोल रही है क्या, कि और भी कोई बोल रहा है, और भी कोई बोल रही है? अभी तो मैं विस्मय बोल रही अच्छा ठीक है। तो हाँ, नहीं अच्छा हुआ आज जी जी अच्छा जी आज अब ये मेरे ख्याल 5:45 तक हो रहा है समय, तो आपने भी अच्छा काफी समय दे दिया और पता ही नहीं चला समय का। बहुत इंटरेस्टिंग था। तो हम इसके अगले एपिसोड के साथ जरूर मिलेंगे वादे के मुताबिक, जैसा हमने कहा था कहा है। और लेकिन अगला ही नहीं, मुझे लगता है कि जिस तरह की दिलचस्पी है आगे भी शायद करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल और जी जी अभी तो शुरू हुई है गाड़ी हाँ तो ये है। और अगर कोई कुछ कहना चाहे तो 2-4 मिनट, 1-2 मिनट हम समय लेते हैं, और फिर उसके बाद मैं अपने कलीग्स परवेज से मैं गुजारिश करूंगी कि वो आज के लिए मतलब कार्यक्रम का अंत करें। और उससे पहले अगर आरुणी सर या और भी कोई हमारे पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाहे, सबको सर अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सब लोग अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, हाँ अभी हाँ आप खुद भी रूल्स कर ऐसे ही चल सकते रहा है। होंगे। हाँ, थोड़ा और बीच में मैंने एक दो बार बंद किया था, जी, लेकिन हाँ सबको और है। अगर अगर मंजिला मैम हमारे साथ हैं किसी डिवाइस से, क्योंकि मैं नहीं फाइंड आउट कर पाई हूँ और ऑडियो नंबर से नहीं लग रहा है। अनम्यूट, एक्चुअली वो ऑडियो से किसी चीज से भी कनेक्टेड है नहीं, है तो सही कैसे? मीटिंग में, अच्छा है क्या? मीटिंग में है, लेकिन वो ना सिर्फ सुन रही है, वो उनका माइक्रोफोन वगैरह कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। अच्छा उनके नाम से दिखा रहा है? नहीं, AICB के नाम से दिखा रहा है, नहीं वो तो उनके नाम से मैं नहीं दिखा। हूँ। अच्छा ओके, नहीं, वो उनका नहीं दिखा रहा उनको। तो ठीक है। अरुणी सर आप कुछ कहना चाहें, राजेश सुनाना भाई, चाहें, बताना बहुत ही चाहें। शानदार प्रस्तुति राजेश भाई की, और सच में मैं तो आज एक स्टूडेंट बन गया, और जो है ना मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैथ्स के लिए भी स्टूडेंट मुझे छोटे छोटे मैथ्स को करने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ गई, लेकिन इतना अच्छा आइडिया दिया है मैथ्स की कि स्लेट लेके नहीं बैठनी पड़ेगी। ठीक नहीं मतलब है जिसको भी लिखने पढ़ने का शौक है, खासतौर पे जो लिखना चाहता है या उसके बारे में सोचता है, तो उसको ये सब टेक्निकल चीज़ों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली। बिल्कुल मुश्किल होगी। मैंने तो खैर लिखने का कभी, मुझे बहुत बाद में थोड़ा बहुत शौक रहा, और अभी तो बहुत दिनों से मैंने कुछ लिखा भी नहीं, लेकिन मैंने देखा कि टेक्निकल चीज़ों की नॉलेज ना होने पर बात बन नहीं पाती है। और ये तो चलिए आगे चल के बात होगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो है ना बहुत मुक्त होकर के लिखना चाहता हूँ, किसी तरह से उसको छंद में या किसी उसमें बांधना नहीं चाहता। तो मैंने कोशिश कभी बहुत जानबूझ के ये नहीं की कि मेरा जो है वो लिखता हूँ वो जो है छंदों में या कहीं बंधा हुआ हो। तो लेकिन फिर भी ये होता है कि कभी कभी वो थोड़ा बोरिंग हो जाता है, और अगर ये सब चीज़ों की जानकारी हो और आप थोड़ा सा उसको अप्लाई करके थोड़ा सुधार लें, तो उससे डेफिनेटली जो है ना उसका जो सुनने में जो उसका स्वीटनेस है, उसका जी प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। तो ये सेशन क्या अटेंड करके मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और बहुत ही यूज़फुल, बहुत फ्रूटफुल सेशन क्या रहा। और मुझे भी यही लगता है कि आज जिस हिसाब से बात हुई और जिस हिसाब से लोगों ने इंटरेस्ट लिया है, तो मुझे लगता नहीं कि एक और एपिसोड में बात पूरी हो जी पाएगी, बिल्कुल। बल्कि मुझे तो हाँ लगता है कई एपिसोड लग जाएंगे, कम हाँ से कम 4-5 दो एपिसोड तीन लग। तो हाँ बिल्कुल करेंगे करेंगे। हाँ, मतलब क्योंकि काम हो तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जैसे आज हुआ है ऐसे ही हो तो फिर जी मज़ा आए, तो हम लोग बिल्कुल स्टूडेंट बन जाएंगे। तो यही मेरा कहना है, और देखिए जी कोशिश करते हैं कभी कुछ लेके आते हैं तो फिर। हाँ बिल्कुल, नहीं जरूर हाँ सुनेंगे तो मैम। राज भाई, नेक्स्ट आपसे गुजारिश है कि आप एक कुछ छोटा सा कुछ तो सुना दें। और अच्छा विस्मा भी जरूर मैं, सुनाए अगले एपिसोड में, क्योंकि हाँ अगले में तो सुनेंगे इसमें अभी हम से ऑलरेडी टाइम भी हो चुका है। अच्छा हाँ, अरे एक शेर ही कह दीजिए। हाँ, आप तो जरूर। हाँ राजेश भाई, एक अरे शेर ही कह दीजिए। नहीं शेर तो खैर अपनी 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 नई किताब अपनी में से कुछ कह दीजिए। हाँ नहीं नई किताब में से तो खैर वही सुनाता हूँ। यही अंजाम है अक्सर किसी से दिल लगाने का, कभी तो मिलना मुश्किल है, कभी है डर जमाने का। और अगर जाना ही है तुमको तो इस अंदाज से जाओ, न हो एहसास भी मुझको तुम्हारे दूर जाने का। सुनाओ कुछ नया, कोई कहानी, गम की बातें, और कोई सदमा, कोई आंसू, कोई किस्सा रुलाने का। और जनाजे पर मेरे सब रोने वालों तुम चले आना, कि आकर सीख जाओगे यहाँ फन मुस्कुराने का। कि किस उल्फत से दुनिया ये बसाई होगी सोचो तो,
निशान अब भी है शाखे गुल पे उजड़े आशियाने का, यही अंजाम है अक्सर किसी से दिल लगाने का, कभी तो मिलना मुश्किल है कभी है डर जमाने का। वाह अब वाह बस वाह वाह, क्या इसको बात है, बहुत ही इसको आप शानदार, फैलन 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 पे मत तोलिएगा, इसकी बहर बहुत अलग बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो उसका नाम शानदार क्या है? इसकी बहर का, मुफाइलुन मुफाइलुन मुफाइलुन। अभी बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं तो नहीं उससे पहले कि और ज्यादा मुश्किल मुश्किल हो जाए मैं परवेज साहब को आवाज दे देती हूँ। तो हाँ तो जी हाँ, परवेज जी सभी को नमस्कार, मैं परवेज, और आज के इस कार्यक्रम को मैं उसके अंतिम पड़ाव तक ले जाने के लिए आया हूँ। धन्यवाद देने के लिए सभी को। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड, जिनके सौजन्य से ये कार्यक्रम हुआ, और इस फिल्म के अभिनेता श्री राजेश आसुदानी रघीव, AGM असिस्टेंट जनरल मैनेजर RBI, तकनीकी सहयोग हमें प्राप्त हुआ प्रोफेसर आरुणि शर्मा जी से, संचालिका रही हमारी गौरी सेन जी, और सबसे महत्वपूर्ण हमारे प्रतिभागी जिन्होंने इस कार्यक्रम में एक सक्रिय भागीदारी निभाते हुए इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बनाने में, सफल बनाने में अपनी भूमिका का निर्वाह किया है। बाकी राजेश सर ने शायरी के बारे में काफ़ी तकनीकी जानकारी दी कि शायरी लिखने का तरीका क्या होता है, और मैंने अभी बीच में अध्ययन किया था। ये बात ज़रूर है कि दो एपिसोड में इसको समझना थोड़ा कठिन होगा। कोई भी जो विधा होती है उसे वो प्रैक्टिस मांगती है, इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लगन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। हाँ लेकिन इतना है कि मतलब कोई ऐसी बात नहीं है जो सीखी नहीं जा सकती है, लेकिन ये भी है कि बैठे बैठे नहीं सीखी जा सकती है, इसके लिए प्रयास करना होगा। तो हम लोग फिर से आएंगे वापस अगले एपिसोड के साथ, और राजेश सर का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के कंधे पे चल रहा है, नहीं और भाई, धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आप सभी उम्मीद का करते हैं सक्रिय कि अगले सहभाग। कार्यक्रम में भी हमारे साथ आएंगे और बिल्कुल अपनी जो मार्गदर्शन है लोगों को बताएंगे, अपना मार्गदर्शन देंगे शायरी लिखने के बारे में। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नहीं जी बिल्कुल, नहीं आए तो फिल्म रुक नहीं जाएगी। बिल्कुल और बाकी मंजिला मैम को आप नहीं सुन पाए, कुछ टेक्निकल ये रहा मेरे ख्याल से।